सोलर स्टूडेंट सब चेक करिए, वॉइस क्लियर है? अब चेक करिए वॉइस क्लियर है। यस, चलिए, उस माइक में इशू था तो अब नया स्टूडियो अपन ने चेंज किया है। क्लियर हुआ? यस सर, जल्दी से मैसेज करिए, सभी आ जाएं, फास्ट ज्वाइन हो जाएं। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। हम थे आपका पार्टिकल साइज एनालिसिस के ऊपर। तो पार्टिकल साइज और एनालिसिस की अगर बात की जाए, और कुछ बच्चे कह रहे सर रिवीजन, तो रिवीजन करा देंगे एक बार, इस चैप्टर को खत्म होने दो। ठीक है, राधे राधे, गुड मॉर्निंग सभी को। एक बार इसको चैप्टर ओवर होने दो, फिर रिवीजन कराएंगे फर्स्ट और सेकंड चैप्टर का एक साथ, चलेगा? तो पार्टिकल साइज एनालिसिस में हमने देखा था कि इट इज डन बाय टू टाइप्स, फर्स्ट फॉर दी सीव एनालिसिस, अनदर वन इज दी सेडिमेंटेशन एनालिसिस। सीव एनालिसिस होता है किसके लिए? कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए, एंड सेडिमेंटेशन एनालिसिस इज फॉर दी फाइन ग्रेन सॉइल। तो उनके लिए हमने एक फ्लो चार्ट ड्रॉ किया था, और फ्लो चार्ट में क्या किया था, 75 माइक्रोन की सीव से उसे पास किया था। अगर 50% से मोर देन पार्टिकल 75 माइक्रोन की सीव पर रिटेन हो जाते हैं तो वो कोर्स ग्रेन सॉइल होगी, उसका हम क्या करेंगे, उसका हम करेंगे आपका सेडिमेंट सीव एनालिसिस। और अगर उससे 50% से ज़्यादा अगर पास हो गए या लेस देन 50% अगर रिटेन हुए तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे आपका सेडिमेंटेशन एनालिसिस, वो होता फाइन ग्रेन सॉइल के लिए। ठीक है, वेरी गुड मॉर्निंग, जल्दी से आ जाइए सभी, स्टार्ट करें। चलिए, तो इस पार्टिकल साइज एनालिसिस में फिर हमने देखा था, नेक्स्ट सीव एनालिसिस देख लिया था। सीव एनालिसिस में ड्राई सीविंग और वेट सीविंग दोनों देख लिया था। फिर हम आ गए थे सेडिमेंटेशन एनालिसिस पर, उसके अंदर भी हमने स्टॉक स्लो पे बेस था, स्टॉक स्लो देखा था, उसकी लिमिटेशंस देखी थी। उस लिमिटेशंस के बाद हम आते हैं पिपेट मेथड के ऊपर। लिखिएगा, वेरी गुड मॉर्निंग। फर्स्ट आते हैं, द फर्स्ट वन इज दी पिपेट मेथड। देखिए कौन सा एनालिसिस है ये, पार्टिकल साइज एनालिसिस के अंदर भी कौन सा एनालिसिस है, सेडिमेंटेशन एनालिसिस। सेडिमेंटेशन एनालिसिस, सेडिमेंटेशन एनालिसिस है। इस सेडिमेंटेशन एनालिसिस की अगर मैं बात करना चाहूं तो मैंने इसके अंदर बताया था कि एक सस्पेंशन रेडी करते हैं, क्या करते हैं, एक सस्पेंशन रेडी करते हैं। वो सस्पेंशन जो है वो किसका बना होता है, वाटर और जिस भी सॉइल की, फाइन ग्रेन सॉइल का आप उनका एक सस्पेंशन होता है, और उसके अंदर प्री और पोस्ट ट्रीटमेंट करते हैं। क्या करते हैं, प्री ट्रीटमेंट और पोस्ट ट्रीटमेंट करते हैं। प्री ट्रीटमेंट क्यों करते हैं, वो भी मैंने आपको बता दिया था, ऑर्गेनिक मैटर और एक और चीज थी कैल्शियम कंपाउंड। और पोस्ट ट्रीटमेंट करते हैं फ्लोक्स के लिए। वेरी गुड मॉर्निंग, वॉइस कम है? नहीं, वॉइस कम तो नहीं होगी। हाँ, रिविजन कराएंगे, रुको एक बार, चैप्टर तो ओवर हो जाए। देखिए अब सही है ना। चलो, पिपेट एनालिसिस में लिखिएगा कि पिपेट एनालिसिस में क्या होता है, 10 ml सैंपल लेते हैं। पिपेट कराओगे आपने आपके 11th 12th केमिस्ट्री एक्सपेरिमेंट्स के अंदर, पिपेट के लेते हैं, एक पिपेट कांच की होती है पिपेट, उस पिपेट को डिप करते हैं। तो पिपेट लेंगे और उस पिपेट में 10 ml सैंपल लेंगे 10 सेंटीमीटर की डेप्थ पे, 10 सेंटीमीटर की डेप्थ पे 10 ml सैंपल क्या करेंगे अपन, उसमें से सक करेंगे। क्लियर हुआ? 30 सेकंड पे, 1 मिनट पे, 2 मिनट पे, 4 मिनट पे, अलग अलग टाइम इंटरवल पे हम क्या करेंगे, उसका सैंपल लेंगे। क्या होता है पिपेट एनालिसिस के अंदर कि जब उसको आप डिप करोगे पिपेट को, तो वो 20 सेकंड पहले डिप करनी है सस्पेंशन के अंदर। रीजन क्या है, क्योंकि उसमें जैसे ही पिपेट इंसर्ट करोगे टर्बुलेंस होगा, वाटर इधर उधर आपका डिस्टर्ब होगा, तो उसके पास में सस्पेंडेड पार्टिकल वो भी क्या होंगे, इधर उधर चले जाएंगे, तो एग्जैक्ट रीजन नहीं आ पाएगा। ठीक है, एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं आ पाएगा, तो उसके लिए हमें क्या करना है, उसे 20 सेकंड पहले इंसर्ट कर देना है, जो भी टर्बुलेंस है वो शांत हो जाएगा, उसके बाद उसमें से एक सैंपल आपको लेना है। क्लियर हुआ? तो नोट करेगा जल्दी से। टेन एम एल सैंपल ऑफ सस्पेंशन, 10 ml सैंपल ऑफ सस्पेंशन इज टेकन फ्रॉम द डेप्थ ऑफ 10 सेंटीमीटर। 10 ml सस्पेंशन लेना है,
जो कितने सेंटीमीटर की डेप्थ पे होगा, 10 सेंटीमीटर की डेप्थ पे होगा फ्रॉम दी फ्री सरफेस, फ्रॉम दी फ्री सरफेस, फ्री सरफेस से। अगर हम बात करें, देखिएगा इसके अंदर कि एक बीकर है जिसका सस्पेंशन रेडी कर रखा है, यहाँ पे हमने पिपेट इंसर्ट करी, ऐसे कुछ होती है आपकी पिपेट, ठीक है, पिपेट हमने इंसर्ट करी, तो ये पिपेट कितने है भाई, कितने, ये 10 सेंटीमीटर की डेप्थ पे होनी चाहिए, 10 सेंटीमीटर की डेप्थ पे। और ये क्या है, ये फ्री सरफेस है, फ्री सरफेस से 10 सेंटीमीटर की डेप्थ पे, और दिस इज नोन एज पिपेट। बीच में कैप्सूल जैसा होता है, बीच में ऐसा कैप्सूल जैसा होता है, और फिर ये आपस ऐसी होती है, ठीक है, ये पीपेट होती है, यहाँ से ओपन होती है ताकि आप सैंपल ले सको। 10 ml सैंपल लेना होता है 10 सेंटीमीटर की डेप्थ से। क्लियर हुआ, नोट करिएगा, कुछ इस तरह से मैं आपको डायग्राम दिखा रहा हूँ। तो लिखिएगा पहला पॉइंट, लैब में देखा है ना, वेरी गुड, वेरी गुड, आपने स्ट्रेट पीपेट देखी, नहीं स्ट्रेट नहीं होती यार पीपेट, नोट कर लिया आपने, नहीं बेटा टेस्ट ट्यूब तो बहुत मोटा होता है, ये तो थिन होता है। चलिए नोट कर लीजिए, एक पॉइंट और लिख दीजिएगा, पिपेट शुड बी इंसर्टेड बिफोर 20 सेकेंड। रीडिंग लेने से 20 सेकेंड पहले ही क्या होना है, पिपेट को इंसर्ट कर देना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। रीडिंग लेने से 20 सेकेंड पहले ही पीपेट को इंसर्ट कर देना है, ये आपको पता होना चाहिए। रीजन क्या है, उसका रीजन है कि जो टर्बुलेंस होगा उस पीपेट के इंसर्ट करने से वो शांत हो जाएगा, उसके बाद हम क्या करेंगे, रीडिंग लेंगे, टाइट्रेशन में यूज किया था, वेरी गुड, नोट करिएगा। बहुत पहले कर देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है भाई, उसको इंसर्ट करते ही नहीं करना है, जैसे आपने उसको इंसर्ट किया वो तभी से आपको सैंपल नहीं देना है, आपको कम से कम 20 सेकंड बाद लेना है, अगर पहले कर दोगे तो आंसर डेविएट हो जाएगा, फाइन ग्रेन पार्टिकल है वो सस्पेंशन के अंदर क्या होंगे, सस्पेंडेड फॉर्म के अंदर होंगे, पर जैसे आप इंसर्ट करोगे दूर भाग जाएंगे तो आंसर नहीं आएगा आपका, ठीक है। पीपेट शुड बी इंसर्टेड बिफोर 20 सेकेंड, 20 सेकेंड पहले इंसर्ट करनी होगी बेटा, 20 सेकेंड पहले इंसर्ट करनी होगी जब आप सैंपल लोगे उससे पहले, ये बात हो रही है। पार्टिकल तो इधर है ही नहीं, पार्टिकल साइज एनालिसिस अगर ये बात कर रहे हो तो, आगे चलें, ये देखो ये बात हो रही है कि जो पीपेट को आप इंसर्ट करोगे इस पीपेट को 20 सेकंड पहले करनी है, ताकि यहाँ पे जो मौजूद सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं ये टर्बुलेंस होगा तो ये पानी क्या होगा, हिलेगा, यहाँ से हिलेगा तो ये पार्टिकल क्या होंगे, यहाँ से दूर चले जाएंगे, तो उसमें रीडिंग सही नहीं आ पाएगी, बट 20 सेकंड्स अगर आप रुक जाओगे टर्बुलेंस शांत हो जाएगा, उसके बाद अपन इसकी रीडिंग लेंगे। क्लियर हुआ, आज बोर्ड बड़ा है, क्लास दूसरी है,
साउंड क्लियर कैसे नहीं आ रहा भाई? साउंड तो क्लियर आ रहा होगा। बताते हैं उसके बाद। एसी तो चल ही नहीं रहा है। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद देखो, स्टॉक स्लो से सेटलिंग वेलोसिटी का फॉर्मूला कल बच्चे कह रहे सर लिखाइएगा, तो वो बिल्कुल लिखाएंगे, पर वो इसमें काम आता है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन लिखा रहे हैं, स्टॉक स्लो के थ्रू हम सेटलिंग वेलोसिटी या टर्मिनल वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं, तो उसका फॉर्मूला दिखेगा, वही यहाँ पे यूज आया, क्योंकि ये भी किसके ऊपर बेस्ड है? स्टॉक स्लो के ऊपर बेस्ड है। गामा एस माइनस गामा एल डी स्क्वायर अपॉन में 18 म्यू। यहां पे क्या है? गामा यूनिट वेट ऑफ सॉलिड, गामा एल यूनिट वेट ऑफ लिक्विड, तो वाटर हो सकता है, यूनिट वेट ऑफ लिक्विड, या जिसको लिख सकते हैं इसको और क्या लिख सकते हैं, गामा डब्ल्यू भी लिख सकते हैं। डी इज दी डाया ऑफ पार्टिकल, म्यू इज दी विस्कोसिटी। अब कौन सी विस्कोसिटी होगी, डायनामिक या काइनेमेटिक, आप बताओ। पता चलेगा, एक मिनट रुक जाओ श्रीकांत, एक बार आप नोट करो। वी वॉल्यूम नहीं बेटा, वेलोसिटी है भाई। अरे स्टॉक स्लो सेटलिंग वेलोसिटी निकालता है ना, तो वॉल्यूम कैसे होगा? सुनते भी नहीं हो क्या है? सुन तो लिया करो जो मैं बोल रहा हूं, सिर्फ नोट करने में क्यों रहते हो? डायनामिक विस्कोसिटी, वेरी गुड, डायनामिक होती है, तो विस्कोसिटी कौन सी है? डायनामिक विस्कोसिटी है ये, और न्यू जो होती है वो काइनेमेटिक विस्कोसिटी होती है। इसकी यूनिट क्या होती है? न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, उसको होती है मीटर स्क्वायर पर सेकंड। इसको बोलती, इसकी होती है पॉइज और उसकी होती है स्टॉक्स। ठीक है, हाँ, टर्मिनल वेलोसिटी बोल दो, सेटलिंग वेलोसिटी बोल दो, हाँ, गामा एल जो है गामा डब्ल्यू होगा। लिक्विड यहाँ पे क्या लेके चल रहे हैं भाई? वाटर लेके चल रहे हैं। लिक्विड क्या लेके चल रहे हैं? वाटर लेके चल रहे हैं। इसलिए रोहित बिल्कुल बताएंगे, अभी रुक जाओ, एक बार इतना नोट कर लें सब एक बार, फिर अब वापस एक बार रिवाइज करते हैं। हाँ, पास्कल सेकंड भी कह सकते हैं, पास्कल सेकंड या न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, वही हो गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, पास्कल सेकंड। करमवीर, नदीम कह रहे हैं कहाँ से स्टार्ट हुआ, एक मिनट रुक जाओ, आप इस बता रहे हैं क्लियर कहाँ से होगा, आप लेट आए हो ना, क्लियर इसलिए नहीं हो रहा है। फॉर्मूला नहीं समझे सर, ये फॉर्मूला जो है, ये आपका फॉर्मूला होता है सेटलिंग वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला होता है, वह स्टॉक स्लो, स्टॉक्स ने दिया गया था फॉर्मूला, स्टॉक्स का फॉर्मूला है ये। चलो कोई बात नहीं, बताता हूं, हो गया सबका नोट हो गया, पहले तो ये बता दो। चलो कोई बात नहीं श्रीकांत है नदीम, एक बार नोट हो गया सभी का बता दो, फिर मैं वापस रिपीट कर देता हूं। बिल्कुल बिल्कुल, जो पार्टिकल जो सस्पेंशन है प्रेजेंट है उनकी वेलोसिटी, सुदीप डन, चलो आ जाओ आ जाओ, लास्ट बार समझ लो भाई, जितने भी स्टूडेंट हैं जो अभी आए हैं या जो पहले आए थे जो लेट हो गए, सब देख लो एक बार। वेलोसिटी के बारे में तो अपन कल ही बता चुके थे, वेलोसिटी आज का टॉपिक है ही नहीं। सेटलिंग वेलोसिटी या टर्मिनल वेलोसिटी कल ही बता चुके थे कि एक स्टेटमेंट जब लिखाया था, एक स्फेरिकल पार्टिकल एक इन्फिनाइटली मीडियम में जब जाएगा तो कुछ समय बाद में एक कॉन्स्टेंट वेलोसिटी को अचीव कर लेगा, उसे ही बोलते टर्मिनल वेलोसिटी। तो ये आज का टॉपिक नहीं है, कल का टॉपिक है, पहले तो रिवाइज करा करो। ठीक है, आज कुछ नहीं पढ़ाया वेलोसिटी के बारे में। दूसरा, पिपेट की बात कर रहे थे हम, थे सेडिमेंटेशन एनालिसिस, उसके अंदर प्री प्रोस्ट ट्रीटमेंट पढ़ा दिया था, स्टॉक स्लो बता दिया, उसके लिमिटेशंस बता दिए थे। फिर हम आते हैं फर्स्ट मेथड पे, पिपेट मेथड।
और एक होता है आपका हाइड्रोमीटर मेथड। पीपेड मेथड में क्या होता है, उस जो सस्पेंशन अपन ने रेडी किया उसमें 10 ml सैंपल लेते हैं, किसकी हेल्प से, पीपेट की हेल्प से, 10 cm की डेप्थ से उस फ्री सरफेस लेवल के, ठीक है। उस पीपेट को सैंपल लेने से पहले 20 सेकंड पहले इंसर्ट करेंगे ताकि जो टर्बुलेंस है वो शांत हो जाए तो एक्चुअल वैल्यू निकल के आए, ठीक है। तो ये था आपका पॉइंट, चाहो तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो या फिर बाद में देंगे ही देंगे आपको लास्ट में। तो ये पहला पेज है आपका, जो भी स्टूडेंट्स लेट आएंगे फर्स्ट पेज है आपका। चलिए डन हो गया आप सभी को या कोई दिक्कत, तो यहां देख लो 10 ml सैंपल लेते हैं 10 cm की डेप्थ से फ्रॉम द फ्री सरफेस से, और इस पीपेट को इंसर्ट करेंगे कितने देर पहले, 20 सेकंड पहले, ताकि क्यों करेंगे, क्योंकि टर्बुलेंस जो है वो शांत हो जाए, रिमूव हो जाए। अब आते हैं, ये रहा आपका डायग्राम, एक सस्पेंशन एक स्पीकर के अंदर भर रखा है, ये पीपेट आपने इंसर्ट करी और पीपेट से आपने कितना लिया, 10 ml सैंपल लिया, 10 ml आपने सैंपल लिया और कितने पे सर, 10 cm की डेप्थ पे, फ्री सरफेस लेवल क्या होता है, ये वाला लेवल यहाँ लिख रखा है फ्री सरफेस लेवल, ये कुछ इस तरह का आपका पिपेट होता है, इसकी सहायता से हम क्या करते हैं सैंपल को लेते हैं। हो गया क्लियर सभी को, हाँ। अब क्या क्वेश्चन है आपका कि विदाउट राइटिंग, अच्छा राइटिंग जूम करें, दिख नहीं रहा क्या, ले लो सेटलिंग वेलोसिटी। अरे यार आप समझ क्यों नहीं पा रहे यार, पहले तो ये बताइए, अरे पार्टिकल सेट होगा तो उसे सेटलिंग वेलोसिटी कहेंगे या फिर वेलोसिटी कह दो, बात तो वही है, ठीक है। हो गया हो गया सबका, अब आ जाइए नेक्स्ट पे, नेक्स्ट गामा एस माइनस गामा एल डी स्क्वायर, ये सेटलिंग वेलोसिटी किसके द्वारा, स्टोक्स के द्वारा, उसका फॉर्मूला ये स्टोक्स ने दिया था, ठीक है क्लियर हुआ। अब देखिएगा कई जनों ने इसका अलग फॉर्मूला पढ़ा होगा, जो भी एक जने लिख भी रहे थे g-1 gamma w upon 18 mu लिख रहे थे ना कोई एक, g-1 gamma d square upon 18 mu, तो वैसा फॉर्मूला भी होता है। होता क्या है कि सर ये जो हमारा स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है ये क्या होती है, गामा एस अपन में गामा डब्ल्यू होता है, पढ़ सके अपन एब्सोल्यूट स्पेसिफिक ग्रेविटी, ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी या स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड्स। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, गामा एस को जी गामा डब्ल्यू लिख सकते हैं, और ये लिक्विड कौन सा है, ये लिक्विड हमने लिया है वाटर, तो ये वाटर यहां पे पुट कर दीजिए, वी इज इक्वल्स टू जी गामा डब्ल्यू, और लिक्विड कौन सा है वाटर, इंटू डी स्क्वायर अपॉन में 18 म्यू, तो वेलोसिटी क्या हो गई, कॉमन क्या आ गया, गामा डब्ल्यू, तो जी माइनस वन गामा डब्ल्यू डी स्क्वायर अपॉन में 18 म्यू। तो ये फॉर्मूला भी होता है सेटलिंग वेलोसिटी का बाय यूजिंग स्टॉक्स लॉ, तो वो जनरल फॉर्मूला है, ये कन्वर्टेड फॉर्मूला है, ठीक है। वाटर की भाई
जो भी क्वेश्चन में गिवन हो उसकी लेनी, सस्पेंशन की लेनी होगी। अरे यार ये स्टूडियो चेंज हो गया ना, चक्कर ये है। अभी तो कह रहे थे सांसों की भी आवाज आ रही है, और अब कह रहे हो क्या तेज बोले। अभी तो कह रहे सांसों की भी आवाज आ रही है, कौन कह रहा था? और अब कह रहे चलिए हो गया। ओ लोग के यार ऐसे मत करो। तो अब देखिएगा इस वेलोसिटी को क्या लिख सकते हैं, एच ई बाय टी भी लिख सकते हैं। एच ई इफेक्टिव डेप्थ डिवाइडेड बाय द टाइम। एच ई बाय टी भी लिख सकते हैं। नोट करिएगा एच ई क्या है, इफेक्टिव डेप्थ डिवाइड बाय टाइम। ये है आपकी एच ई, टी जो है वो आपका क्या है, टाइम इंटरवल। ठीक है, टाइम इंटरवल अलग अलग टाइम इंटरवल पे लेते हैं। 30 सेकेंड हो गया, 1 मिनट हो गया, 2 मिनट हो गया, 4 मिनट हो गया, 5 मिनट हो गया, कुछ इस तरह से लेते हैं। ठीक है, तो एच ई हो गया इफेक्टिव डेप्थ अपॉन में टाइम इंटरवल, कि कितने समय के बाद आपने रीडिंग ली है, उसको बोलते हैं टाइम इंटरवल। तो यहां पे आपका ओवर हुआ फर्स्ट पिपेट मेथड। यहां पे आपका ओवर हुआ फर्स्ट पिपेट मेथड, नोट करिएगा। चलिए एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है बताएंगे, जब अपन पढ़ेंगे क्या, जब हम पढ़ेंगे आपकी शियर स्ट्रेंथ, वहां पे होगा एंगल ऑफ रिपोज। चलिए यहां पे अब आते हैं नेक्स्ट मेथड पे। नेक्स्ट मेथड लिखिएगा हाइड्रोमीटर एनालिसिस। कौन सा है आपका, हाइड्रोमीटर एनालिसिस। हाइड्रोमीटर एनालिसिस की बात करेंगे हम। अब इस हाइड्रोमीटर एनालिसिस में क्या होता है, पिपेट का रोल है केवल सैंपल लेना। पिपेट का रोल क्या है, केवल सैंपल लेना, यही रोल है पिपेट का। अब हम बात करेंगे हाइड्रोमीटर एनालिसिस की, और इस हाइड्रोमीटर एनालिसिस, पहली बात तो हाइड्रोमीटर क्या होता है, हाइड्रोमीटर इज अ बल्ब लाइक स्ट्रक्चर। कैसा होता है सर, बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है। हाँ मैकेनिक्स में भी आता है बिल्कुल। अरे वॉइस कम अभी भी आ रही है क्या, एक मिनट फिर होल्ड करना, एक बार एक मिनट होल्ड करना, फिर वॉइस अगर कम आ रही है तो। चलिए अब आ रही है वॉइस क्लियर, अब चेक करिए।
चेक करिए अब सही है क्या? सब कुछ सही था फिर भी कह रहे हो कि दिक्कत है, है? चलो हाइड्रोमीटर एनालिसिस की अगर बात की जाए तो हाइड्रोमीटर इज अ बल्ब लाइक स्ट्रक्चर। कैसा होता है? एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है हाइड्रोमीटर, जिसमें ऊपर की तरफ वैल्यू डिक्रीज होती है और नीचे की तरफ वैल्यू क्या होती है सर? इंक्रीज होती है। बात समझ में आई सभी को? तो डायग्राम बनाइए पहले तो हाइड्रोमीटर एनालिसिस का। ये एक सस्पेंशन है, इस सस्पेंशन में अब पीपेट की जगह क्या इंसर्ट करेंगे सर? हाइड्रोमीटर इंसर्ट करते हैं। पीपेट की जगह अब क्या करेंगे? हाइड्रोमीटर इंसर्ट करेंगे इसमें। जैसे बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये जैसे अगर मैंने बोला ये जीरो है तो ये माइनस फाइव है, ये माइनस टेन है, ये माइनस फिफ्टीन है। यहाँ पे ये जीरो है तो ये यहाँ से फाइव है, ये टेन है, ये फिफ्टीन है, ये ट्वेंटी है। तो ऊपर की तरफ वैल्यू क्या हो रही है? डिक्रीज हो रहा है। इट इज़ अ बल्ब लाइक स्ट्रक्चर, ये एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। हाइड्रोमीटर किसको मेजर करता है? तो अपन क्या पढ़ रहे हैं? पार्टिकल्स एनालिसिस, तो उसी को मेजर करता है। ठीक है बेटा, बात किसकी हो रही है? पार्टिकल्स एनालिसिस की, तो उसी को मेजर करता है। तो ये क्या है आपका? ये बल्ब है और इस पूरे को सेटअप को क्या बोलते हैं? हाइड्रोमीटर। ये हाइड्रोमीटर है पूरा, ये इसका बल्ब है हाइड्रोमीटर का। ये सेंटर है, सेंटर से ये डिस्टेंस कितनी है? स्मॉल h बाय टू यहाँ तक, और ये फिर अगेन h बाय टू। क्लियर है? ये कैपिटल H है या h1 बोलते हैं इसको, कैपिटल H या h1। ठीक है, नोट करिएगा। बिल्कुल पीपेट से। क्लियर हुआ? ये एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें ऊपर की तरफ वैल्यू डिक्रीज होती है, नेगेटिव होती है, नीचे की तरफ वैल्यू पॉजिटिव होती है, इंक्रीज होती है। और इस सस्पेंशन के अंदर इसको अपन ने पुट कर दिया। नोट करिएगा, अरे अब ये इंक्रीज डिक्रीज ही करेंगे क्या? आर के सी एच एम एच एम एल सब टर्म बता दीजिएगा। ये बेटा अभी नहीं आएगी, ये क्लासिफिकेशन के अंदर आएगी, तब पढ़ेंगे। जीरो को सरफेस पर नहीं रखते, ऐसा कुछ नहीं बेटा, उसको जब डिप किया तो उसकी वैल्यू देखनी है। ये जस्ट एक डायग्राम बनाया है। अच्छा, कुछ क्वेश्चन नहीं बन रहे बुक के कौन से, जो आपकी थ्योरी बुक है उसके? थ्योरी बुक क्या? थ्योरी बुक की बात बता दें, थ्योरी बुक के अंदर हर एक लेवल का क्वेश्चन है। उसके अंदर आपका ईएससी के वन लाइनर भी है, उसमें आपके गेट के वन लाइनर भी है। ठीक है, तो मैं इसलिए ही कह रहा हूँ कि उसको थ्योरी बुक से थ्योरी पढ़ लो, भले ही चीज़ें यहाँ से आप देख लो, नोट्स रिवाइज कर लो। सबसे पहले अगर आप जिसको फोकस कर रहे हो उस क्वेश्चन लगाइए, AEJEE के पहले कंसेप्ट क्लियर करिए, उसके बाद वो क्वेश्चन लगेंगे, वो हो चाहे गुप्ता एंड गुप्ता हो। ठीक है, तो गुप्ता एंड गुप्ता में ऐसा होगा 50% क्वेश्चन लगेंगे, 50% नहीं लग पाएंगे, उससे पहले जब तक कि आप कोई आपके कंसेप्ट क्लियर ना होंगे। ठीक है, AEJEE की बुक लगा दीजिए, सारे क्वेश्चन लग जाएंगे, 95% प्लस क्वेश्चन लग जाएंगे। ठीक है, देखो यादव निखिल देखो क्या कह रहे हैं, एक बार सुनो। यादव निखिल कह रहे हैं कि सर प्रीवियस ईयर के 100 क्वेश्चन लगाए थे, एक भी नोट्स के बाहर नहीं था, सब मिला था, देख लो।
पीपेट के साइज के बारे में कैसे पता चलेगा? अरे पीपेट से तो पता चलेगा आपको, उस फॉर्मूले में पुट करके पता चलेगा ना, डी डायमीटर ऑफ द पार्टिकल, वेलोसिटी आप निकालोगे वहां से डायमीटर ऑफ द पार्टिकल पता चलेगा आपको, सब बता दूंगा। रुक जाओ सुदीप, थोड़ी सी देर रुक जाओ। बुक नेम, बुक कोई सी बुक हो यार, एसएससी जेईई के क्वेश्चन की कई सारी बुक्स मिलती है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक्स मिलती है वो ले लो, प्रीवियस ईयर एसएससी क्वेश्चन की बुक मिलती है ना, अमेजोन पे देखो, फ्लिपकार्ट पे देखो, वो ले लो, उसको सॉल्व करो, सबसे पहले वही सॉल्व करो, पता चले कि किस तरह के पैटर्न पे क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है? तो पहले वो सॉल्व करो, उसके बाद अपना आगे चलना है अपने को। सही है वो भी, कृष्णा कुमार वर्मा, हाँ बिल्कुल है ना, वो भी है। चलिए तो अपन आते हैं, ये हाइड्रोमीटर एनालिसिस हम देख रहे थे, इस हाइड्रोमीटर एनालिसिस के अंदर अब पॉइंट लिखिएगा, जो फर्स्ट पॉइंट है वो लिखिएगा, इट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन स्टॉक्स लो। ये भी किस पे बेस्ड होता है? इट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन स्टॉक्स लो। ऑब्वियस ही बात है ये भी बेस्ड होगा ही, क्योंकि ये किसका पार्ट है सर? ये सेडिमेंटेशन एनालिसिस का पार्ट है। सेडिमेंटेशन एनालिसिस में दो मेथड होते हैं, पिपेट और हाइड्रोमीटर। तो ये भी किस पे बेस्ड होगा? स्टॉक्स लो पे बेस्ड होगा। सेकेंड पॉइंट लिखिएगा, हाइड्रोमीटर इज अ डिवाइस विच इज ऑल्सो यूज टू मेजर, हाइड्रोमीटर इज अ डिवाइस विच इज ऑल्सो यूज टू मेजर स्पेसिफिक ग्रेविटी को भी मेजर करता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी, ऑल्सो यूज टू मेजर स्पेसिफिक ग्रेविटी। फिर लिखिएगा, हाँ जा वो भी सही है करमवीर, वो भी सही है। फिर नेक्स्ट अगर बात करें तो नेक्स्ट अपन लिखने हैं इफेक्टिव डेप्थ क्या होती है। इफेक्टिव डेप्थ में लिखिएगा आप, इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस ऑफ, इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस ऑफ, इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस ऑफ soil suspension to the level at which the density of soil suspension is being measured, ये लिखिएगा इफेक्टिव डेप्थ क्या होती है, ये नोट करिएगा। बैक प्लीज, अरे यार जब वो पढ़ा रहे थे तो आप ध्यान नहीं दे रहे हो, आप कह रहे हो बैक प्लीज लो। Then, हाँ बिल्कुल,
ये देखिएगा यहाँ पे एक एक पॉइंट को समझिएगा। पहला पॉइंट, केराटिस बेस्ड ऑन स्टॉक्स लो, ऑब्वियस सी बात है, सेडिमेंटेशन एनालिसिस है, उसमें दो मेथड होते हैं, पिपेट और हाइड्रोमीटर, वो दोनों किसके ऊपर होंगे, स्टॉक्स लो के ऊपर, डन। फिर नेक्स्ट देखिएगा, हाइड्रोमीटर इज अ डिवाइस विच इज ऑल्सो यूज टू मेजर स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी को ही मेजर करती है। इफेक्टिव डेप्थ क्या होती है, इट इज अ डिस्टेंस फ्रॉम द सर्फेस ऑफ सॉइल सस्पेंशन, वो जो लेवल था सॉइल सस्पेंशन उस लेवल से टू द लेवल एट विच द डेंसिटी ऑफ सस्पेंशन इज मेजर्ड, तो किस डेप्थ पे आप मेजर कर रहे हैं डेंसिटी ऑफ सस्पेंशन, वो होती है इफेक्टिव डेप्थ। क्लियर हुआ, वो हो गई इफेक्टिव डेप्थ। तो जिस फ्री सरफेस लेवल से आपने उस बल्ब को, आपने उस हाइड्रोमीटर को प्लेस किया, तो फ्री सरफेस लेवल से कितनी डेप्थ पे आप क्या कर रहे हैं डेंसिटी मेजर कर रहे, तो उस डेप्थ को बोलते हैं इफेक्टिव डेप्थ। क्लियर हुआ। स्पेसिफिक ग्रेविटी के लिए फॉर्मूला लिखिएगा, अगर नोट कर लिया है तो बताओ। अरे इसमें जो है हाइड्रोमीटर में वो इंपॉर्टेंट चीज, इसके करेक्शन है वो बता रहा हूँ, बताऊंगा मैं आपको, वही आते हैं एग्जाम में, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज जो है, इस पर करेक्शन है, उसी पे क्वेश्चन आते हैं। नोट नहीं किया, हाँ करेक्शन बताएंगे। अब यहाँ पे स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड 1+RH/1000, ये फॉर्मूले से आपका निकल जाएगा स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड। RH क्या है, हाइड्रोमीटर रीडिंग है, ये हाइड्रोमीटर रीडिंग है, ये हाइड्रोमीटर रीडिंग है RH, 1+RH/1000। जल्दी से नोट करिए। वन प्लस आर एच बाय थाउजेंड जो रीडिंग होगी हाइड्रोमीटर में, वो आर एच हो जाएगी अपॉन में 1000। क्लियर हो गए सभी को, चलें आगे। जीएल क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड है बेटा, ये स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड है, ठीक है। हाँ एक क्या कर रहे थे स्टूडेंट, एच ई इफेक्टिव डेप्थ बता दे डायग्राम से, कह रहे हैं थर्ड पॉइंट को, अरे ये रहा इफेक्टिव डेप्थ, ये लो। क्लियर, और कोई दिक्कत बताओ, और कोई दिक्कत, स्मॉल एच लिख दो, लेंथ ऑफ हाइड्रोमीटर बल्ब, स्मॉल एच क्या है, ये इसकी लेंथ या डेप्थ लिख दो, लेंथ या डेप्थ ऑफ हाइड्रोमीटर बल्ब, तो अपने लिख दिया लेंथ ऑफ हाइड्रोमीटर बल्ब। H क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द हाइड्रोमीटर रीडिंग एंड द नेक, ये लिखिएगा डिस्टेंस बिटवीन बिटवीन हाइड्रोमीटर रीडिंग एंड द नेक। हाइड्रोमीटर रीडिंग यहाँ पे होगी और उससे नेक के बीच तक का डिस्टेंस है ये आपका एच। क्लियर हुआ। अरे भाई ये सब अलग अगला चैप्टर है आर के, एक्विक्लूड एक्विफ्यूज, आप पूरी सॉइल पहले चैप्टर में पढ़ लोगे क्या है?
पूरी सॉइल पहले चैप्टर में पढ़ लो एगा। कुलदीप कुमार जीएल स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड, है हाँ बिल्कुल। नितेश मीणा जीएल स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड है। हाँ क्वेश्चन सब मिक्स है इसलिए ये तो कह रहा हूँ जितना पढ़ो उतना कर लो, जो नहीं पढ़ा वो आगे वाले चैप्टर में आएगा ये समझ लेना, ठीक है। अगर जो नहीं बन पा रहा है, जो नहीं सुन रहे हो आप, वो सब नेक्स्ट चैप्टर में आएगा। एक्वीफ्यूज, एक्वीटार्ड, एक्वीक्लूड, वैसे तो वो सॉइल का पार्ट भी नहीं है, ठीक है, फिर भी बता देंगे कोई बात नहीं। जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस होती हैं वो। ये सारे नोट कर लिए चीज़ें, गुड। यहाँ पे आते हैं अपन नेक्स्ट पॉइंट पे। ये अपने इंपॉर्टेंट है, करेक्शंस फॉर हाइड्रोमीटर रीडिंग। हो गया सभी का? फिफ्थ पेज। अरे यार गजब, इतने धीरे कैसे लिख रहे हो यार, है? क्या पूछ लिया आपने? भाई अब इतना बार बार बैक बैक हो गया, आप जिसको जितना नोट का अपना टाइम दे दिया आपको, अब ऐसे तो ये बैक 50 बार करेंगे कोई मतलब वाली बात नहीं है, ठीक है। अब आ जाओ करेक्शंस फॉर हाइड्रो रीडिंग। अब याद रखना है बैक नहीं होगा, सही कह रहा है देवकरण, कोई फैकल्टी बैक नहीं करता। करेक्शन फॉर हाइड्रोमीटर रीडिंग, अब आपको एक बार क्या कर दिया, आप बार बार ये फर्स्ट पेज आ जाओ, फिर वापस से पढ़ा दो, सर समझ नहीं आया, अरे तो गलती आपकी यार, टाइम दिया सबने नोट किया, आप ही ने नोट नहीं किया तो गलत कौन हुआ, आप ही तो हुए। करेक्शंस फॉर हाइड्रोमीटर रीडिंग, हाइड्रोमीटर रीडिंग के करेक्शन, और नहीं हुआ तो लास्ट में स्क्रीनशॉट देते हैं तब लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिएगा करेक्शन फॉर हाइड्रोमीटर। इस चक्कर से क्या होता है, जो कंसेप्ट बताने वही भूल जाते हैं कि बैक करो सर वो क्या था ये क्या था, जो सब लिख दिया है वो लिख दिया, लास्ट में बोलिएगा वो सर अब ये खत्म हो गया, अब सर इस पॉइंट टॉपिक में ये चीजें बता दीजिए अगर कुछ रह जाता है तो, ठीक है। अब लिखिएगा हाइड्रोमीटर रीडिंग के 3 करेक्शन होते हैं। फर्स्ट जो होता है करेक्शन, मेनिस्कस करेक्शन, मेनिस्कस करेक्शन। सेकेंड जो होता है वो होता है आपका टेम्परेचर करेक्शन, टेम्परेचर करेक्शन। थर्ड जो होता है वो होता है आपका डाइलेटेंसी करेक्शन, या उसको बोल दीजिए एक और नाम है उसका सिंपल, एक जिसको बोलते हैं डीफ्लोकुलेटिंग एजेंट करेक्शन, शायद डिस्पर्सिंग और डीफ्लोकुलेटिंग एजेंट करेक्शन, हाँ डिस्पर्सिंग स्लैश डीफ्लोकुलेटिंग एजेंट करेक्शन। देखो करेक्शन जो है उसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, सी से, सी से, और करेक्शन कौन सा, मेनिस्कस तो सी एम, टेम्परेचर तो सी टी, और डीफ्लोकुलेटिंग तो सी डी, ये नोट करिएगा। डिस्पर्सिंग एजेंट या डिस्पर्जन करेक्शन बोल सकते हैं, डीफ्लोकुलेटिंग एजेंट करेक्शन, टेम्परेचर करेक्शन और मेनिस्कस करेक्शन, 3 करेक्शन होते हैं। डिस्पर्सिंग एजेंट, डिस्पर्सिंग एजेंट और डीफ्लोकुलेटिंग एजेंट करेक्शन, डन। अभी रुक जाओ जितना रुकना है, अब वापस बैक नहीं जाएंगे बस, अब बफरिंग है तो बेटा आप रिफ्रेश करो ना, इधर नहीं है बफरिंग, बाकी सब बच्चों को होती। थर्ड पॉइंट की स्पेलिंग जो है डी आई एस पी ई आर एस आई एन जी, डी आई एस पी ई आर एस आई एन जी,
सेकंड वाला है टेम्परेचर, है टेम्परेचर तापमान, मेनिस्कस MENISCUS, डीफ्लोक्यूलेटिंग एजेंट, डीफ्लोक्यूलेटिंग कल बताया था कि पोस्ट ट्रीटमेंट में डीफ्लोक्यूलेटिंग एजेंट ऐड करते हैं ताकि वो क्या हो सके, वो बिखर सके, वो डिस्पर्स हो सके, इसलिए उसको बोलते हैं डीफ्लोक्यूलेटिंग एजेंट करेक्शन। अब आते हैं अपन पहले पे, फर्स्ट वन इज दी मेनिस्कस करेक्शन। मेनिस्कस करेक्शन की बात करें तो इसमें पूछता है कि मेनिस्कस करेक्शन क्या होगा, मेनिस्कस करेक्शन इज ऑलवेज नेगेटिव, तो लिखिएगा मेनिस्कस करेक्शन इज ऑलवेज नेगेटिव, याद रखिएगा हमेशा नेगेटिव होगा। अब हमें क्या देखना है, ये क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन है एसएससी का, ठीक है, ये करेक्शन जो है सारे क्वेश्चन है आपके एसएससी के, करेक्शन है करेक्शन। मेनिस्कस करेक्शन जो क्या होगा, ऑलवेज नेगेटिव, ऑलवेज पॉजिटिव होगा, नेगेटिव नहीं पॉजिटिव, हाँ रीडिंग उसकी नेगेटिव होती है। ऑलवेज पॉजिटिव होगा, हाँ रीडिंग नेगेटिव होती है, ऑलवेज पॉजिटिव होगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखेगा इसके अंदर वो है आपका रीडिंग इज ऑलवेज कॉरस्पॉन्डिंग टू दी, रीडिंग इज ऑलवेज कॉरस्पॉन्डिंग टू दी अपर लेवल, रीडिंग इज ऑलवेज कॉरस्पॉन्डिंग टू दी अपर लेवल ऑफ मेनिस्कस। रीजन क्या है, ये रीजन नीचे लिखा हुआ, अब इसको मैं डायग्राम से समझाऊंगा ताकि हमेशा के लिए याद हो जाए। ये करेक्शन है बेटा, दूसरा अच्छा ये क्वेश्चन आया था, अब देखिएगा यहां पे लिख रखा है अपन ने ऑलवेज पॉजिटिव, पॉजिटिव क्यों होता है वो देखना है हमें, डायग्राम देखना आप कि ये हाइड्रोमीटर का रीडिंग का सेट है, यहां पे वैल्यू है जीरो, यहां पे है -5, यहां पे है -10, बड़े ध्यान से देखना -15 और ये -20, इसी तरह से यहां पे है 5, यहां पे है 10, यहां पे है 15 और यहां पे है 20। अब होता क्या है कि एक और डायग्राम देखिएगा, अब जो आपका सस्पेंशन है वो किसी एक ट्यूब में जब जाता है तो कैसा कर्व ऐसा नेचर का होता है भाई, टेस्ट ट्यूब में अगर देखें जितनी थिन डायमीटर की ट्यूब होगी उसके अंदर ये कर्व नेचर का होता है, ऐसे ही होता है, ग्लास में पानी भी ऐसा होता है सरफेस टेंशन के कारण, पर वो दिखता नहीं है, जितना थिन ट्यूब होगी उसमें ऐसा कर्व दिखेगा जो एफएम में आपको पढ़ाते हैं ना, तो ये कर्व नेचर का होता है। तो हम क्या करते हैं, हम रीडिंग कर्वेचर, इस कर्वेचर को मेनिस्कस कहते हैं, मेनिस्कस जो वर्ड है ये मेनिस्कस क्या है, ये ही मेनिस्कस है, इसी को क्या कहते हैं मेनिस्कस, चाहो तो यहां पे लिख लो ये क्या है, मेनिस्कस है, यही आपका मेनिस्कस है, इसको मेनिस्कस कहते हैं। तो ओरिजिनली में होता क्या है कि सर हम लेते हैं ये रीडिंग, ठीक है, नोटेड रीडिंग, मैंने इसको लिख देता हूं नोटेड रीडिंग, इसको हम नोट करते हैं क्योंकि हमें तो वो कर्व नेचर दिखता नहीं है, बट इन एक्चुअल कैसा होता है सर, वो कर्व नेचर का होता है। तो एक्चुअल रीडिंग अब होनी क्या चाहिए सर, ये रीडिंग होनी चाहिए, इसको क्या कहते हैं, एक्चुअल रीडिंग, बात समझ में आई, ये मेनिस्कस शेप होता है इसके कारण एक्चुअल रीडिंग तो सर नीचे वाली होनी चाहिए, इस मेनिस्कस के बॉटम पेपर हम ले क्या लेते हैं, अपर रीडिंग ले लेते हैं, तो जिसमें क्या हो जाता है सर ये चीज होगी रॉन्ग, तो हम क्या करेंगे करेक्शन अप्लाई करेंगे, तो हम नीचे की तरफ जा रहे हैं, हम कहाँ जा रहे हैं सर, हम इस नीचे की तरफ बढ़ रहे हैं, हम नीचे की तरफ आ रहे हैं, और नीचे क्या होती है सर,
अगर सपोज करो ये -5 रीडिंग आई है और हम नीचे की तरफ आ रहे तो हम किस तरफ आ रहे सर? पॉजिटिव साइड आ रही है। नीचे रीडिंग क्या होती है? प्लस होती है। और ऊपर रीडिंग क्या होती है सर? माइनस होती है। इसलिए क्या होगा? ऑलवेज पॉजिटिव होता है। माइनस का करेक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव। अब आगे समझ में कि क्यों पॉजिटिव होती है? क्योंकि ये नोटेड रीडिंग है बट एक्चुअल रीडिंग माइनस वाली होती है, तो हम नीचे की तरफ जाएंगे और नीचे की तरफ यहां पे वैल्यू बढ़ती है, इंक्रीज होती है, इसलिए ये पॉजिटिव होगा। हाँ बिल्कुल, रीडिंग इज इंक्रीजेस टुवर्ड्स डाउनवर्ड। नीचे जाएगी हमेशा तो वैल्यू पॉजिटिव होगी, करेक्शन पॉजिटिव होगा। Corresponding to the upper level of meniscus, corresponding to the upper level of meniscus. तो इसका रीजन समझ में आया? पॉजिटिव होता है हमेशा, तो क्यों होता है? हमेशा का मतलब है कि अगर रीडिंग 15 आई है तो नीचे वाली लेंथ तो -10 आएगी, तो बढ़ी गई ना एक तरह से, तो -10 बढ़ी गई ना रीडिंग। तो आ गई समझ में? नोट कर लिया सभी ने? नोट करके डायग्राम बना के डन करिए। चलिए हो गया। एक बार फिर से बता दीजिए। सेकंड पॉइंट नहीं आ रहे, सेकंड पॉइंट है कि रीडिंग जो हमेशा है अपर लेवल ऑफ मेनिस्कस पर ली जाती है, तो ये नोटेड रीडिंग हमेशा अपर पर ली जाती है, वो होती कौन सी? लोअर वाली है, इसलिए नीचे की तरफ जाते हैं और नीचे की तरफ वैल्यू बढ़ती है, इसलिए हमेशा पॉजिटिव आता है। आगे बात समझ में? पुन यादव, पुनीत यादव एंड यूट्यूबर कौन है? चलिए हो गया। अब आते हैं अपन टेम्परेचर। अरे उसमें टी टेम्परेचर बेटा, ये टी इसमें टेम्परेचर है, एम इसमें मेनिस्कस है और डी इसमें डिस्पर्जन एजेंट है, ठीक है? अब लिखिएगा सेकंड, सेकंड इसमें लिखिएगा टेम्परेचर करेक्शन। टेम्परेचर करेक्शन जिसे बोलते हैं सी टी, टेम्परेचर करेक्शन। इसमें क्या लिखिएगा? पहला पॉइंट इस टेम्परेचर करेक्शन में वो है आपका, हाइड्रोमीटर आर जनरली कैलिब्रेटेड एट, हाइड्रोमीटर आर जनरली कैलिब्रेटेड एट 27 डिग्री सेल्सियस, 27 डिग्री सेल्सियस पे कैलिब्रेट किया जाता है। बट इफ द टेम्परेचर, if the temperature is more than 27 degree celsius or if the temperature is less than 27 degree celsius,
अगर टेम्परेचर 27 डिग्री जो कैलिब्रेट किया अगर उससे ज़्यादा होगा तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और अगर कम होगा तो नेगेटिव होगा। तो कैसा होगा करेक्शन, पॉजिटिव होगा नहीं तो नेगेटिव हो गया। डन हुआ, बताओ। रिफ्रेश करो, हाँ रूम टेम्परेचर। हाँ करेक्शन ही है, करेक्शन पॉजिटिव होगा, करेक्शन नेगेटिव होगा। टेम्परेचर ज्यादा तो पॉजिटिव, टेम्परेचर कम तो नेगेटिव। चले आगे, नोट कर लिया सभी ने? 27 पर क्या होगा, 27 पर कैलिब्रेट कराए कोई करेक्शन नहीं लगेगा, 27 से कम होगा ज्यादा होगा तभी करेक्शंस लगेगा। अब आते हैं अपन नेक्स्ट, डिस्पर्जन एजेंट करेक्शन। थर्ड इज डिस्पर्जन एजेंट करेक्शन। डिस्पर्जन एजेंट करेक्शन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सीडी से रिप्रेजेंट करते हैं। डिस्पर्जन एजेंट करेक्शन क्या होगा बताओ, जल्दी से बताओ, ये तो सोच के बताओ, जब एक रीजन मैंने बता दिया तो। रिफ्रैक्शन करेक्शन थोड़ी बेटा डिस्पर्जन एजेंट है, रिफ्रैक्शन तो कहां पहुंच गया, सर्वे में पहुंच गया आप। बताइए कैसा होगा, डिस्पर्जन एजेंट करेक्शन इज ऑलवेज नेगेटिव, डिस्पर्जन एजेंट करेक्शन इज ऑलवेज नेगेटिव, हमेशा नेगेटिव होगा, वो पॉजिटिव और ये हमेशा नेगेटिव। मेनिस्कस पॉजिटिव और ये नेगेटिव, रीजन क्या है, रीजन क्या है, तो रीजन लिखिएगा ड्यू टू राइज इन डेंसिटी ऑफ सरफेस सस्पेंशन, बिकॉज ड्यू टू राइज इन डेंसिटी ऑफ सस्पेंशन। समझ में आया क्या लिखा ये, ड्यू टू राइज इन डेंसिटी ऑफ सस्पेंशन, ऐसे ही डिस्पर्जन एजेंट मिलाओगे तो वो डेंस हो जाएगा, वो डेंस हो जाएगा तो वो नीचे की तरफ बैठ जाएगा, जबकि रीडिंग क्या थी एक्चुअल सर ऊपर वाली थी, तो कहाँ जाएंगे सर, ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ क्या होता है नेगेटिव, इसलिए नेगेटिव होगा। समझ में आ गया बात, कैलिब्रेट का मीनिंग मतलब जिसके ऊपर उसको कैलिब्रेट किया गया, जिसके रेस्पेक्ट में उसकी रीडिंग ली गई, तो 27 डिग्री कोरस्पॉन्डिंग हमने उसकी रीडिंग मानी है, 27 से ऊपर नीचे होगा तो करेक्शन लगेगा, तो उसको बोलते हैं कैलिब्रेशन। ठीक है भाई, अगर बात करें कि गाड़ी के अंदर होता है कि अगर वो 30 से 50 के बीच में चलाओगे या 30 से 40 के बीच में चलाओगे तो वो आपकी इकोनॉमिकल स्पीड होती है जिस पर आपका एवरेज अच्छा आएगा, कम या ज़्यादा चलाओगे तो क्या करेगा आपका एवरेज वेरी करेगा। तो उसी तरह से वो 27 डिग्री एक बेंचमार्क बना दिया कि इसके कोरस्पॉन्डिंग और इस, ठीक है। अब इसका डायग्राम देखना है क्या, समझ में आ गया, क्या नहीं समझे यार, ये लाइन साफ तो लिख रखी है कि भाई ये एक ट्यूब है, ये एक आपकी हाइड्रोमीटर है, और इस हाइड्रोमीटर के अंदर यहाँ पे आपका वाटर लेवल था, जब आपने इसके अंदर क्या ऐड कर दिया, इस सस्पेंशन के अंदर डिस्पर्जन एजेंट,
डिस्पर्जन एजेंट जब आपने इसके अंदर ऐड कर दिया है, डीफ्लोकुलेटिंग एजेंट ऐड कर दिया, जिससे डेंसिटी क्या हो गई सर, यहाँ पे आ गया लेवल। तो ये क्या थी आपकी एक्चुअल रीडिंग थी, ये क्या थी आपकी नोटेड रीडिंग, नोटेड रीडिंग। और जबकि एक्चुअल रीडिंग क्या थी सर, ये थी, ये आपकी थी, हमारी थी एक्चुअल रीडिंग। तो हम कहाँ जाएंगे, हम जाएंगे सर ऊपर की तरफ, और इस हाइड्रोमीटर के अंदर ऊपर की तरफ वैल्यू क्या होती है सर, डिक्रीज होती है, और नीचे की तरफ वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो ऊपर जाओगे तो क्या होगा, नेगेटिव नेगेटिव होगा, समझ में आया कि नहीं आया। अरे किसी भी चीज़ को ऐड करोगे डेंसिटी बढ़ेगी तो ये नीचे डिक्रीज होगा, लेवल नीचे जाएगा, जबकि एक्चुअल क्या था सर, वो ऊपर था, और डालना पड़ता है, ठीक है। बिकॉज BECOZ, बिकॉज ड्यू टू राइज इन डेंसिटी ऑफ सस्पेंशन। चैप्टर खत्म जब होगा, जब आप खत्म करने दोगे अननेसेसरी के फालतू यार डिस्टर्बेंस। डन हुआ सभी का, कोई दिक्कत किसी को तो बता दो भाई। कोई भी चीज़ डालते ही डेंसिटी बढ़ेगी तो ये लेवल नीचे आ जाएगा, जबकि जब कुछ नहीं ऐड किया था, और ऐड करना ही पड़ेगा क्योंकि पोस्ट ट्रीटमेंट करते हैं, उसमें फ्लोक्स को ब्रेक करने के लिए डीफ्लोकुलेटिंग एजेंट डाला ही जाता है। तो इसलिए हम जाएंगे ऊपर की तरफ, एक्चुअल वैल्यू की तरफ, ऊपर वैल्यू डिक्रीज हो रही है, इसलिए ऑलवेज नेगेटिव होगा। ऑलवेज नेगेटिव का मतलब कम होगा, नेगेटिव या पॉजिटिव का मतलब समझ रहे हो, कम होगा। और अगर ये 10 था तो ऊपर की तरफ जाओगे तो 5 हो जाएगा। आया समझ में, जो बोल रहे हैं उसको भी सुना करो, जो दिख रहा है वो तो सही है पर जो बोल रहे हैं उसको भी सुना करो, तब जाकर रिलेशन बैठ पाएगा। आपको जो लिख दिया वो समझ में आ गया बस, नहीं आया सर बेटा, क्या नहीं आया इसके अंदर। अरे किसी भी चीज़ को अगर आप वाटर के अंदर ऐड करोगे तो वो हैवी हो जाएगा, वो नीचे की तरफ जाएगा। डेंसिटी का मतलब क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है, तो वो नीचे की तरफ जाएगा। जब वो नीचे की तरफ जाएगा, जबकि बिना कुछ ऐड करे तो वैल्यू ये थी, ऐड करने के बाद वैल्यू ये आ गई। तो हमें क्या करना है सर, हमें असली वैल्यू की तरफ जाना है, एक्चुअल वैल्यू की तरफ जाना है। वो कहाँ है सर, ये ऊपर की तरफ है, तो हम ऊपर की तरफ बढ़ेंगे, और ऊपर की तरफ इसमें वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज होती है, इसलिए वो ऑलवेज नेगेटिव होगा। अब आया समझ में कुलदीप, अब आया समझ में। चलिए तो जो बोल रहे हैं उसको भी थोड़ा सा देखिएगा। एक लास्ट लिख लीजिए, इफेक्टिव डेप्थ का फॉर्मूला क्या होता है, या फिर एक सबसे पहले लिख दीजिए कि करेक्टेड रीडिंग क्या होगी, रीडिंग ऑफ हाइड्रोमीटर, ठीक है, प्लस मेनिस्कस करेक्शन, प्लस माइनस टेम्परेचर करेक्शन, और माइनस डिस्पर्जन करेक्शन। ये करेक्टेड रीडिंग अगर आपको निकालनी, तो इस पर भी आपको क्वेश्चन पूछ लेता है भाई, SSC ने पूछा गया क्वेश्चन है। तो वही चीज़ें हैं जो हमने पढ़ी थी थ्योरी में, उनको इसने लिख के बता दिया। चलिए डिस्पर्जन एजेंट में क्या क्या होगा सर, अरे डिस्पर्जन एजेंट और ये सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट लिखवा तो दिया था बेटा पोस्ट ट्रीटमेंट में। अब एक और फॉर्मूला लिख लीजिएगा, HE जो है अपन ने लिखा था इफेक्टिव डेप्थ क्या होता है, फ्री सरफेस लेवल से लेके या हाइड्रोमीटर रीडिंग से लेके कहाँ तक हम मेजर करते हैं, जिस पॉइंट पे डेंसिटी हमको मेजर करनी है, मतलब सेंटर ऑफ द बल्ब पे। तो फ्री सरफेस से सेंटर ऑफ द बल्ब तक की जो डिस्टेंस होती है, दिस इज नोन एज HE, और HE को निकालने का फॉर्मूला ठीक है वो लिखिएगा। CH क्या बोले, हाइड्रोमीटर रीडिंग है, हाइड्रोमीटर रीडिंग है और करेक्टेड रीडिंग है। ये जो अपन ने सबसे पहले अपन ने नोट करी थी ना, हाइड्रोमीटर रीडिंग वो है।
ठीक है, आर एच लिख दो। हाँ, इसको सी एच की जगह आपका मन किया तो रीडिंग ऑफ हाइड्रोमीटर लिखा था आपने, इसको आर एच लिख दो, हाइड्रोमीटर रीडिंग लिख दो। बस अपन ने वहां पे हाइड्रोमीटर रीडिंग लिखा था आर एच, तो आर एच लिख दो। एच ई की अगर बात करें, एच ई इज इक्वल्स टू एच प्लस हाफ, ब्रैकेट के अंदर लिखिएगा एच माइनस वी एच बाय ए जे। ये इफेक्टिव डेप्थ को निकालने का फॉर्मूला है, इस पे क्वेश्चन नहीं है पर देख लीजिएगा कभी पूछ ले। एच तो क्या था आपने लिखा, लिख दिया था बल्ब की लेंथ है आपके हाइड्रोमीटर बल्ब की, ये वी एच वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोमीटर है, और ये एरिया ऑफ जार है, ऑफ जार लिखिएगा, वॉल्यूम ऑफ बल्ब, हाइड्रोमीटर बल्ब का वॉल्यूम है, और एरिया ऑफ जार ए जे जो है वो है आपका एरिया ऑफ जार। एच वन तो पता ही था, वो डिस्टेंस नेक से लेके उस फ्री सरफेस लेवल तक की डिस्टेंस एच है, और स्मॉल एच लेंथ ऑफ द बल्ब है। पीछे कुछ नहीं बताया बेटा, यही बताया पीछे, तो आपको ये करेक्ट कर दिया था आपका कि डिस्पर्जन एजेंट क्या होता है, ठीक है, और यहाँ पे फॉर्मूले लिखाए हैं कुछ थोड़े से। तो ये रिलेशनशिप भी पूछता है एसएससी के अंदर कि जो करेक्टेड रीडिंग का फॉर्मूला क्या होता है, तो रीडिंग ऑफ हाइड्रोमीटर मेनिस्कस पॉजिटिव, टेम्परेचर पॉजिटिव नेगेटिव, डिस्पर्जन नेगेटिव। तो बस वही है जो अपन ने पढ़ा था, उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब आते हैं मैथड्स टू डिटरमाइनिंग यूनिट वेट ऑफ सॉइल, सेकेंड लास्ट टॉपिक है ये, नोट कर लिया सभी ने? चलिए सभी का हो गया, फिर ऐसा नहीं हो सर रह गया, अभी देख लो कुछ दिक्कत है तो, और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो फास्ट। चलिए फिर आते हैं मेथड्स डिटरमाइनिंग यूनिट वेट। फिर स्टूडेंट कहे सर यूनिट वेट तो मैंने बताया था लास्ट में पढ़ाते हैं अपन, तो यहां लिखिएगा मेथड्स फॉर डिटरमाइनिंग फॉर डिटरमिनेशन या डिटरमाइनिंग डिटरमिनेशन ऑफ यूनिट वेट, वेट ऑफ सॉइल मास। तो मेथड्स फॉर डिटरमिनेशन ऑफ यूनिट वेट ऑफ सॉइल मास, तो कौन कौन से मेथड है सबसे पहले तो पूछ लेता है, इनमें से कौन सा मेथड यूनिट वेट को डिटरमाइन करता है, या इनमें से कौन सा मेथड यूनिट वेट को डिटरमाइन करने का मेथड नहीं है, पहला क्वेश्चन तो यही पूछ लेता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन तो सिंपल से यह पूछ लेगा, इनमें से कौन सा मेथड जो है, इनमें से कौन सा मेथड जो है वो यूनिट वेट का मेथड है, या कौन सा मेथड यूनिट वेट का मेथड नहीं। तो पहले तो नाम पता होना चाहिए कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहला कौन सा है, कोर कटर मेथड, कोर कटर मेथड, ये सभी ने कॉलेज में किया होगा, कोर कटर मेथड। सेकंड इज सेंड रिप्लेसमेंट मेथड, सेंड रिप्लेसमेंट मेथड, और थर्ड कौन सा होता है, तो थर्ड होता है हमारा सर वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड। लिखा किसी ने ये, लिखिएगा कोर कटर मेथड, सेंड रिप्लेसमेंट मेथड एंड वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड। ठीक है, बेटा वो डायरेक्ट फॉर्मूला है, उसको डिराइव कैसे करोगे।
डिराइव थोड़ी, वो तो रिलेशन है, वो एम्पेरिकल फार्मूलाज है, वो एक्सपेरिमेंट करके उन्होंने निकाल के दिखाया भाई ये फार्मूला होता है, इसमें वैल्यू पुट करोगे तो आएगा, उसमें कोई फॉर्मूले थोड़ी लग रहे हैं कि जिससे वो डिराइव होके आ रहा है, वो डायरेक्ट फार्मूला ही है। ठीक है, सुनिए सुमित कुमार, पहले तो याद रखिएगा कि व्हाट किसके चीज को, यूनिट वेट, यूनिट वेट मतलब क्या होता है, गामा। इस गामा को डिटरमाइन करने के लिए, इस गामा को डिटरमाइन करने के तीन मेथड होते हैं, कोर कटर, दूसरा सैंड रिप्लेसमेंट, और तीसरा होता है वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड। ठीक है, अब सबसे पहला मेथड कोर कटर, सबने किया है कॉलेज के अंदर के नहीं किया, देखा है कोर कटर या नहीं देखा? कोर कटर एक सिलेंड्रिकल स्पेसिमेंट होता है, तो लिखिएगा पहला कोर कटर मेथड, कोर कटर मेथड, कोर कटर मेथड, एक सिलेंड्रिकल मोल्ड होता है, ठीक है, जिसमें शार्प होते हैं इसके एजेस, ठीक है, एक सिलेंड्रिकल मोल्ड होता है जिसको अपन पंच करते हैं ग्राउंड के अंदर, वहां से सैंपल को निकाल के लाते हैं। करा है आपने, किस किस ने किया है? यस वेरी गुड, हाँ बिल्कुल, किस सॉइल के लिए वो, चलो किया है, वेरी गुड, काफी सारे बच्चों ने इसको किया है, आपने भी किया है, तो बताइएगा डायमेंशन क्या होती है। 10 सेंटीमीटर तो इसका डायामीटर होता है, और 12.5 सेंटीमीटर क्या होता है, इसका डेप्थ होता है। 10 सेंटीमीटर डायामीटर होता है और 12.5 सेंटीमीटर क्या होता है, इसका डेप्थ होता है, और वॉल्यूम कितना होता है, 1000 सीसी, या इसको बोल सकते हैं सीसी को सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, तो कहीं सीसी लिखा हो तो वो क्या है, वो सेंटीमीटर क्यूब है, तो 1000 सीसी। क्लियर हुआ? वेरी गुड रजनीश, 10 और 12.5। अच्छा आप नहीं करे, जिसने नहीं किया वो देखो, कोर कटर का एक सिलेंड्रिकल मोल्ड होता है, एक सिलेंड्रिकल मोल्ड होता है, इसको पंच करते हैं ग्राउंड के अंदर, और ग्राउंड के अंदर पंच करने का इसको निकालते हैं तो इसके अंदर मिट्टी भर जाती है, तो वो सैंपल कहलाता है, उस सैंपल को हमको टेस्ट करना होता है। आ गई बात समझ में? जिसका डायमीटर क्या होता है, 10 होता है, और 12.5 सेंटीमीटर इसकी हाइट होती है। सिलेंड्रिकल मोल्ड लिख दीजिएगा या सिलेंड्रिकल वेसल लिख दीजिएगा, वेसल ज्यादा सही शब्द है, सिलेंड्रिकल मोल्ड या सिलेंड्रिकल वेसल लिख दीजिएगा। अब बात यह आती है कि सर ये कोर कटर मेथड जो है, इसको पहले तो प्रोसीजर देख लेते हैं, प्रोसीजर देख लेते हैं, इसको आपने पंच किया, पंच करने का इसको निकाला, इसके अंदर सॉइल का सैंपल आ गया, अब क्या करना है, सबसे बड़ी बात यह कि सर अब क्या करना है। अच्छा आपने नहीं किया ऐसा कह रहे हैं, तो कोई बात नहीं ना, चलिए तो सबसे पहले W1 बोल दिया आपने, एम्प्टी वेट ऑफ कोर कटर, खाली उसको वजन कर लिया आपने, एम्प्टी वेट ऑफ कोर कटर, कोर कटर को खाली आपने वेट किया। W2 उसको ग्राउंड में पंच करके निकालने के बाद आपने उसका वेट किया, तो वेट ऑफ कोर कटर प्लस सॉइल सैंपल, वेट ऑफ कोर कटर प्लस सॉइल सैंपल, W1 कौन सा है, एम्प्टी वेट, खाली जब आपने सैंपल नहीं लिया था उससे पहले का वेट, और W2 कौन सा है, सैंपल लेने के बाद का वेट, तो W1 एम्प्टी वेट है, W2 कोर कटर प्लस सॉइल सैंपल है, पंच करने के बाद का वेट। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, यूनिट वेट क्या होता है भाई, वेट बाय वॉल्यूम होता है, यूनिट वेट निकाल रहे हैं, यूनिट वेट का फॉर्मूला क्या होता है, वेट बाय वॉल्यूम, तो वेट क्या हो जाएगा, वेट ऑफ दी सॉइल सैंपल, यूनिट वेट निकालना है सॉइल का, तो सॉइल इसको इसमें से माइनस कर दें, तो W2 माइनस W1, तो इसमें कोर कटर से कोर कटर कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा, सॉइल सैंपल, और वॉल्यूम पाई बाय 4 d² × h, ये इसका वॉल्यूम होता है, सिलेंडर का वॉल्यूम, ठीक है, पाई बाय 4 d² × h। क्लियर हुआ? फिर ये यूनिट वेट निकल गया। अगर ड्राई यूनिट वेट पूछ ले, अगर ड्राई यूनिट वेट की अगर बात करें, तो गामा डी का फॉर्मूला क्या होता है, गामा डी को गामा 1 प्लस W, तो गामा कहाँ से लिखोगे सर, यहाँ से गामा आ जाएगा, W कहाँ से आएगा, W कहाँ से आएगा जल्दी से बताइएगा,
डब्ल्यू कहाँ से आएगा इसमें? कमेंट बॉक्स से कमेंट करिए जल्दी से। ओवन ड्राई से, वेरी गुड। अरे भाई वाटर कंटेंट के मेथड पढ़ लिए हमने, और हम क्या करेंगे? ओवन ड्राई मेथड क्यों करेंगे सर? मोस्ट एक्यूरेट मेथड होता है इसलिए, या करने में तो कोई सा भी कर सकते हैं, पर जनरली ओवन ड्राई मेथड का उपयोग करते हैं। ओवन ड्राई से अपन क्या कर लेंगे, वाटर कंटेंट निकाल लेंगे, यूनिट वेट यहाँ से आ गया तो ड्राई यूनिट वेट निकल जाएगा, ठीक है। वेट बाय वॉल्यूम होता है, यूनिट वेट, तो वेट क्या होगा, वेट ऑफ द सॉइल मास और वॉल्यूम ऑफ द सॉइल मास। तो वॉल्यूम तो इसके अंदर भरेगी सॉइल, तो इसी का वॉल्यूम हो गया, और वेट सॉइल का वॉल्यूम, तो डब्ल्यू वन डब्ल्यू टू निकाला था, डब्ल्यू टू माइनस डब्ल्यू वन हो जाएगा, ठीक है। हाँ दिनेश, बी जो है थाउजेंड है, बिल्कुल थाउजेंड सीसी, 1000 सेंटीमीटर क्यूब, सीसी का मतलब होता है सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हो गया पहला। अब नहीं भी किया तो अगर आप लैब में गए तो आप कर सकते हो ना कोर कटर, कि नहीं कर सकते आप? आप अगर नहीं भी गए या नहीं भी देखा तो भी आप कर सकते हो ना? हाँ आप सब कुछ निकाल सकते हैं। वो तो एच इज दी हाइट है, हाँ ये एच इस की हाइट है, ये वाली हाइट 12.5, डी इसका डायमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर, क्लियर कर सकते हैं, वेरी गुड। अब क्या बात आता है, हाँ इजी नहीं होता, बात तो सही है। प्रॉक्टर टेस्ट आगे आएगा, प्रॉक्टर टेस्ट कॉम्पैक्शन में आएगा, चलेगा। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात करें तो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन क्या पूछता है, ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अपन यहाँ पे लिखने वाले हैं अभी। पहले ये पूछता है कि जो कोर कटर मेथड है ये किस टाइप ऑफ सॉइल के लिए किया जाता है, तो बताइएगा कोर कटर मेथड है ये किस टाइप ऑफ सॉइल के लिए किया जाता है। वन प्लस डब्ल्यू बेटा, वो निरंजन, ये एच डब्ल्यू नहीं है, अरे फॉर्मूला लिखवाया तो था, ये वन प्लस डब्ल्यू, एच दिख रहा है क्या आपको? इसको दूर कर लो, अगर एच दिख रहा है तो, अगर एच जैसा कुछ दिख रहा है तो इसको दूर कर लो, वन प्लस डब्ल्यू है ये, फॉर्मूला लिखा जाता है रिलेशनशिप में, आ जाओ। तो यहाँ पे किस टाइप ऑफ सॉइल के लिए नहीं किया जाता है जल्दी से बताइए, या किस टाइप ऑफ सॉइल के लिए किया जाता है? फाइन सॉइल के लिए, वेरी गुड। इट इज यूज फॉर कोहेसिव सॉइल, क्यों अभी रीजन बताऊंगा, इट इज यूज्ड फॉर कोहेसिव सॉइल, और ब्रैकेट में लिख सकते हैं फाइन ग्रेन सॉइल। ऐसा क्यों सर? अगर आप उस कोर कटर को पंच करते हो ग्राउंड के अंदर और वहां पे सॉइल कैसी है, कोहेजन लेस सॉइल है या कोर्स ग्रेन सॉइल है, तो वो एम्प्टी निकल जाएगी, उसका सैंपल नहीं बन पाएगा। जैसे रेती जो होती है, रेती जो बजरी कंस्ट्रक्शन मटेरियल होता है जिसको बोलते हैं रेत, जिसका इस्तेमाल किया जाता है आपका बिल्डिंग बनाने के लिए, उसमें कभी कोर कटर पंच करना, उसको निकालना, वो खाली ही निकलेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि सर उसमें कोहेजन नहीं है। तो किस टाइप ऑफ सॉइल के लिए नहीं किया जाता वो भी लिख लो। तो इट इज नॉट यूज फॉर, नॉट यूज फॉर कोहेजन लेस सॉइल और कोर्स ग्रेन सॉइल। किसके लिए नहीं किया जाएगा? कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए नहीं किया जाता है। और किसके लिए यूज किया जाता है? तो कोहेसिव सॉइल के। रीजन समझ में आ गया सभी को? बताओ। हाँ रीजन समझ में आ गया, क्योंकि सर इसमें कोर्स ग्रेन सॉइल है तो इसमें नहीं किया जाएगा, क्योंकि पंच करोगे जब निकालोगे तो एम्प्टी निकलेगा, इसमें फाइन ग्रेन सॉइल है, कोहेसिव सॉइल है तो उसमें सैंपल साथ में निकल के आएगा, ठीक है। या कोहेजन लेस सॉइल, और इसको लिख सकते हैं हार्ड एंड ग्रेवल सॉइल, ये भी वर्ड आता है, हार्ड एंड ग्रेवल, हार्ड सॉइल एंड ग्रेवल, हाँ हार्ड सॉइल एंड ग्रेवल, ये भी एक वर्ड आता है, इसको भी ध्यान रखिएगा, ये ऑप्शन है एक, तो एक तरह से तो ये आपका क्वेश्चन के अंदर इस तरह का ऑप्शन देखने को मिलता है। तो ग्रेवल ऑब्वियस ही बात है, कोहेजन लेस सॉइल हो गया, और सॉइल हार्ड सॉइल हो गया। विक्की नेट रुक गया था,
हाँ बार बड़ी मुश्किल से निकाला था, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। इफ कोहेजन लेस सॉइल देन नॉट रिटर्न इन द मोल्ड वाइल कट, बिल्कुल। गामा सेचुरेट निकाल दीजिएगा, क्वेश्चन 23 पे आते, क्वेश्चन भेज देना बाद में, ठीक है। चलिए हो गया। रंजीत ऐसा नहीं हो सकता, पढ़ना उसको। इट इज यूज फॉर कोहेसिव सॉइल और नॉट यूज फॉर नॉन कोहेसिव सॉइल। अब आते हैं सैंड रिप्लेसमेंट पे। हो गया सभी का नोट, जल्दी बताइए फास्ट। ये दोनों पॉइंट क्वेश्चन के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से। सैंड रिप्लेसमेंट, सेकंड जो मेथड है सैंड रिप्लेसमेंट, सैंड रिप्लेसमेंट नाम से ही समझ में आ रहा है क्या होगा। सैंड को वहां से हटाएंगे और दूसरी सैंड डालेंगे, रिप्लेसमेंट, उसकी जगह पे दूसरे जने को ऐड करना है, इसको बोलते हैं रिप्लेसमेंट। तो सैंड रिप्लेसमेंट का मतलब क्या हुआ, उस सॉइल को रिमूव करके नेक्स्ट सॉइल, दूसरी सॉइल उसके अंदर डालना, ठीक है, बदलना। वेरी गुड, सही है। अब अपन आते हैं इसके ऊपर, सैंड रिप्लेसमेंट के ऊपर। सैंड रिप्लेसमेंट में क्या होता है, पहले डायग्राम देख लीजिए कि एक ग्राउंड है, इस ग्राउंड लेवल पे अपन ने क्या किया, एक पिट खोद दी, पिट होता है खड्डा। इस खड्डे में से अपन सॉइल था, उस सॉइल को अपन ने रिमूव कर दिया। यहाँ पे होती है एक ट्रे, उस सॉइल को निकाला और इस ट्रे में रख के उसको मेजर कर दिया कि एक पिट खोदा, पिट के अंदर सॉइल निकाली और सॉइल को अपन ने वेट करके मेजर कर दिया, उसका वेट आ गया। उसके बाद क्या होता है देखिएगा, यहाँ पे लगा है आपका एक टैप, इस टैप को ओपन करेंगे, यहाँ पे आपकी है सॉइल, वो सॉइल क्या करेगी, यहाँ से नीचे आना स्टार्ट होगी इसके अंदर, इस पिट के अंदर। क्लियर हुआ सभी को? तो ये जार है और इस जार के अंदर सैंड है और यहाँ पे है टैप, ये है आपका टैप, ये आपका जार है और इस जार के अंदर क्या रखी हुई है, मिट्टी है, ये ट्रे है और ये है आपका पिट और ये है आपका ग्राउंड लेवल, ठीक है। तो सबसे पहले खड्डा खोदा, वहां से सॉइल को निकाली, उस सॉइल का वेट किया और दोबारा उस सॉइल को हमने इसके अंदर फिल किया। तो कितना वॉल्यूम फिल हुआ वो यहाँ पे ग्रेजुएटेड होता है, वहां पे आपको पता चल जाता है कि कितना वॉल्यूम आपने फिल किया है। क्लियर हुआ? आएंगे बेटा आएंगे, हाँ बिल्कुल चंदन, सैंड को फिल करेंगे विमलेश। कब कर सकते हैं सर सैंड रिप्लेसमेंट, बताऊंगा अभी आगे, वही क्वेश्चन पूछता है वही बताऊंगा, पहले देख तो लो करते कैसे हैं। कि यहाँ से अपन ने पिट खोदा, खड्डा, खड्डे से सॉइल को निकाला, ट्रे में रखा, उसका वेट कर लिया, वेट ऑफ सॉइल आ गया। अब क्या चाहिए सर, वॉल्यूम चाहिए, यूनिट वेट तो निकाल रहे हैं, वेट आ गया वॉल्यूम, तो कितना सॉइल इसने फिल करी, तो वॉल्यूम वहाँ से आ गया, तो यूनिट वेट तो निकालना और आसान हो गया, यूनिट वेट वेट बाय वॉल्यूम, वेट यहाँ से आ जाएगा, वॉल्यूम यहाँ से आ जाएगा, ठीक। बिल्कुल, अब देखिएगा ये मेथड किसके लिए यूज किया गया सर, इस मेथड को यूज किया गया कोर्स ग्रेन सॉइल या ग्रेवल्स या हार्ड सॉइल के लिए यूज किया गया, बिकॉज क्योंकि सर फाइन ग्रेन सॉइल के लिए तो पहला मेथड था ही कोर कटर, तो कोर्स ग्रेन सॉइल किससे निकाली जाए, तो कोर्स ग्रेन सॉइल का यूनिट वेट निकालना है या तो अपन निकाला जाएंगे अपन सैंड रिप्लेसमेंट मेथड से। यहाँ पे लिख देगा इसके अंदर, दिस मेथड इज यूज्ड इन केस ऑफ केस ऑफ हार्ड एंड ग्रेवली सॉइल,
ठीक है, दिस मेथड इज यूज्ड इन केस ऑफ हार्ड एंड ग्रेवली सॉइल. तो कहां पे यूज करते हैं वो भी लिख दीजिए. यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ हाईवेज का जब कंस्ट्रक्शन करते हैं वहां पे इसको यूज करेंगे. सेंड रिप्लेसमेंट मेथड लिखिएगा. सेंड वॉल्यूम करेक्ट नहीं आएगा, बात ठीक है. यहाँ एक पिट खोदा, पिट में जो सॉइल थी उस सॉइल को निकाला, ट्रे में रख के मेजर कर दिया कितना वेट था उसका, फिर इसके अंदर फिल किया, वापस यहाँ इसमें फिल होगा कितना वॉल्यूम इसमें फिल हुआ, यूनिट वेट क्या हो गया, वेट बाय वॉल्यूम. यूनिट वेट क्या हो गया आपका, वेट बाय वॉल्यूम. यहाँ से निकलना आसान है बिल्कुल. ऐसा क्यों हाईवे में, क्योंकि हाईवे जो होती है हार्ड ग्रेवली सॉइल पे बनाई जाती है इसलिए जनरली. अब आते हैं वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड पे. सभी का हो गया. लास्ट मेथड है आपका यूनिट वेट का, वो है वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड. ऊपर वाले इंस्ट्रूमेंट का क्या वर्क था, ऊपर वाले सैंड को पिट में गिराने का मतलब क्या है और ऊपर वाले इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या है? भाई ऊपर वाले इंस्ट्रूमेंट का और सैंड को पिट में गिराने का मतलब है कि वॉल्यूम को मेजर करना, और ऊपर वाले इंस्ट्रूमेंट जो है ये इसको एक डब्बा है, एक जार है जिसके अंदर सॉइल को भरकर रखते हैं, इसमें वॉल्यूम लिखा हो, जैसे जैसे डाउन होगा तो वैसे वॉल्यूम की रीडिंग आती जाएगी कितना वॉल्यूम इसके अंदर फिल हो गया. ठीक है, चलो अब आ जाओ वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड पे. वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड वो सेंड रिप्लेसमेंट था, ये वाटर डिस्प्लेसमेंट. देखो नाम से कुछ समझ में आ रहा होगा, वाटर डिस्प्लेसमेंट मतलब कोई एक सॉइल सैंपल को आप उसके अंदर डालोगे तो वो वाव से वाटर को डिस्प्लेस करेगा, बाहर की तरफ फेंकेगा, यही होता है वाटर डिस्प्लेसमेंट. वाटर हटेगा वहां से बिल्कुल. किसने लिखा है? हाँ बिल्कुल सुदीप. चलिए तो वाटर डिस्प्लेसमेंट में क्या करेंगे, वाटर डिस्प्लेसमेंट किसके लिए होगा सर? ये उस सॉइल के लिए होगा जिसका लंप बन सके, मतलब जिसकी बॉल बन सके. तो वो कौन सी सॉइल होगी? हाईली प्लास्टिक सॉइल, जिसका बॉल टाइप सैंपल बन सके. भाई कोर्स ग्रेन सॉइल की बॉल बनेगी? नहीं बन पाएगी. तो किसकी बनेगी सर? फाइन ग्रेन सॉइल की बनेगी. तो वो सैंपल, उस कोहेसिव सॉइल जिसका लंप सैंपल बन सके, उस टाइप ऑफ सॉइल के लिए यूज करेंगे, मतलब हाईली प्लास्टिक और कोहेसिव सॉइल के लिए यूज करते हैं. तो इट इज यूज्ड फॉर हाईली प्लास्टिक एंड कोहेसिव सॉइल. किसके लिए? हाईली प्लास्टिक और कोहेसिव सॉइल के लिए अपन वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड का यूज करते हैं. या फिर एक और बात हम इसमें लिख सकते हैं, तो वो क्या है कि व्हेन वेयर इट इज पॉसिबल टू हैव अ लंप सैंपल, वेयर इट इज पॉसिबल टू मेक LUMP लंप सैंपल, वेयर इट इज पॉसिबल टू मेक लंप सैंपल, कि जिसका लंप सैंपल मतलब जिसकी बॉल बना सके, उस टाइप ऑफ सॉइल के लिए यूज होता है, या हाईली प्लास्टिक और कोहेसिव सॉइल के लिए यूज करेंगे अपन वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड. नोट करिएगा, हाँ कोर्स ग्रेन में टूट जाएगा, बिल्कुल सही है. अब इसमें क्या करते हैं वो सुनिएगा. इसमें होगा क्या कि एक सॉइल का सैंपल बना लिया, उस सॉइल के सैंपल में हमने क्या कर दी, एक कोटिंग कर दी. कोटिंग किसकी होती है? वैक्स की कोटिंग होती है. और इस वैक्स कोटेड सॉइल सैंपल को फिर प्लेस करेंगे पानी में.
अरे वही डायरेक्टली पेस्ट कर दोगे तो बिखर जाएगा ना, वो पानी में मिट्टी डालते वो क्या होगा, बिखर जाएगा। तो वैक्स क्या है, वो इम्परमेबल कर देगा उसको। तो वैक्स की कोटिंग करके फिर उसको डंप करेंगे तो वहाँ से वाटर को डिस्प्लेस करेगा, तो हम वहाँ से वो वॉल्यूम मेज़र कर लेंगे, कितना वाटर डिस्प्लेस किया वहाँ से वॉल्यूम मेज़र कर लेंगे, और वेट वेट अपन निकाल लेंगे। तो देखते हैं कैसे निकालते हैं, एक थोड़ा सा ओवरव्यू बना के क्या करेंगे। एक सॉइल सैंपल लिया, उसका वेट मेज़र कर दिया, उस पर वो परत चढ़ा दी एक वैक्स की, उसका वेट मेज़र कर दिया। तो वेट एक तो हो गया वेट ऑफ सॉइल सैंपल, और एक होता वेट ऑफ वैक्स कोटेड सॉइल सैंपल। तो वेट ऑफ सॉइल आराम से निकल जाएगा, डब्ल्यू टू में डब्ल्यू वन को माइनस कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, वेट ऑफ वैक्स निकल जाएगा। ठीक है, वेट ऑफ वैक्स निकल जाएगा। तो बताते हैं कैसे करते हैं इसको। यहाँ तक समझ में आया सभी को, बताओ। यस, तो सबसे पहले क्या करना है, हमें वॉल्यूम निकालना है, क्योंकि यूनिट वेट क्या होता है, यूनिट वेट जो होता है ये होता है वेट बाय वॉल्यूम। तो वेट तो डायरेक्टली आ जाएगा, वेट तो डायरेक्टली आ जाएगा, जो हमने सॉइल सैंपल बनाया वो तो वेट हो गया। पूरी कहानी किसकी है सर, इस वॉल्यूम की कहानी है। अरे बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, भाई जो सॉइल सैंपल बनाया वो तो डायरेक्टली वेट हो गया, जो बॉल बनाई है वो तो वेट हो गया, उसको तो मेज़र कर लिया, वेट तो सब मेज़र कर लेंगे, वॉल्यूम कैसे करेंगे, तो वॉल्यूम की ही कहानी है सारी। हाँ ठीक है, ठीक है। अब देखो नहीं आया तो कोई बात नहीं, देखो अभी तो बताया कहाँ है, अभी तो एकदम रफ बताया था। तो वेट इसका जो लड्डू बनेगा, जिसका सैंपल बनेगा लम्प सैंपल, तो वो तो वेट हो गया। वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, तो टोटल वॉल्यूम क्या होगा, टोटल अगर वॉल्यूम निकालना है तो वो हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस माइनस वॉल्यूम ऑफ वैक्स। टोटल वॉल्यूम जो है वो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड माइनस वॉल्यूम ऑफ वैक्स। तो यहां से निकल जाएगा वॉल्यूम कि नहीं निकलेगा, बताओ कितना वाटर डिस्प्लेस किया है। वाटर डिस्प्लेस कौन करेगा, वैक्स कोटेड सॉइल सैंपल, वैक्स कोटेड सॉइल सैंपल। तो W1 भी लिख दो ताकि समझ में आ जाए, W1 वेट ऑफ सॉइल सैंपल, और W2 क्या है, वेट ऑफ वैक्स कोटेड सॉइल सैंपल। जिसका मतलब क्या है, इसका मतलब है सॉइल भी है प्लस वैक्स भी है, उसका वेट। अब आ गई बात समझ में, पहला W1 जो एक बॉल बनाई उस पर कोटिंग कर दी, W2 हो गया, तो उसमें कोटिंग भी होगी मतलब वैक्स भी होगा और सॉइल भी होगा। तो यहाँ से वेट ऑफ वैक्स निकल जाएगा, कितना वेट ऑफ वैक्स होगा, तो सर ये W2 में से W1 माइनस कर दोगे। क्लियर हुआ यहाँ से सभी को कि वेट ऑफ वैक्स, कितना वैक्स की कोटिंग करी थी, तो W2 में से W1 को माइनस कर दिया, सॉइल से सॉइल कैंसिल आउट, वेट ऑफ वैक्स बच गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ सभी को, बताओ वैक्स क्या होता है, मोम होता है, मोम होता है ना, जो आपकी मोमबत्ती में होता है वो उसको बोलते हैं मोम। अब देखना, अब इस चीज को समझना, वॉल्यूम ऑफ वाटर कौन डिस्प्लेस करेगा सब, ये W2 जो है उसको पानी में अपन गिरा देते हैं। ये एक हमने एक कंटेनर लिया, इस कंटेनर के अंदर वाटर आपका फिल था, और इस वाटर के अंदर हमने क्या किया, ये W2 सॉइल मास को इसको हमने यहाँ पे गिरा दिया। इसको गिराने से क्या हो गया, यहाँ से वाटर डिस्प्लेस हुआ, यहाँ से आपका वाटर डिस्प्लेस हुआ। W2 क्या था, W2 क्या था, वेट ऑफ सॉइल सैंपल प्लस वैक्स, यही तो था W2। और यही पुट करेंगे भाई डायरेक्टली, अगर सॉइल सैंपल पुट कर देंगे तो फिर वो इस पानी में डिस्पर्स हो जाएगा, घुल जाएगा। हमें क्या करना है, उसको घोलना थोड़ी है, उसको डालना है, यहाँ से वाटर को डिस्प्लेस करना है। तो वैक्स कोटेड डाला, तो वैक्स को क्या कर देगा, मोम एक उसके ऊपर इम्परमेबल लेयर बना देगा, तो W2। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा था कि V कैसे निकलेगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, इस वॉल्यूम ऑफ वाटर को कौन डिस्प्लेस्ड करेगा सर, ये दोनों इसका रीज़न है वॉल्यूम ऑफ वाटर को डिस्प्लेस करने का। तो इसमें से मैं क्या माइनस कर दूँ, इस दोनों में से सर वॉल्यूम ऑफ वैक्स माइनस कर दो, तो क्या निकल जाएगा, कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस किया किसने, वॉल्यूम बाय सॉइल सैंपल, यही निकलेगा कि नहीं निकलेगा।
अरे वैक्स मोम होता है, मोम नहीं समझे, मोम मोमबत्ती होती है, कैंडल जिसको कहते हैं वो वैक्स होता है। विमलेश वॉल्यूम ऑफ वैक्स कैसे मिलेगा, बिल्कुल वही बात आ रही है अब कि सर सब कुछ समझ में आ गया बट अब वॉल्यूम ऑफ वैक्स की बात आती है, तो यूनिट वेट ऑफ वैक्स क्वेश्चन में गिवन होगा। यूनिट वेट क्या होता है, वेट ऑफ वैक्स बाय वॉल्यूम ऑफ वैक्स, ये क्वेश्चन में आपको गिवन होगा। वेट अपन ने निकाल लिया है, वेट कहाँ से निकाला है, ठीक है, तो यहाँ से हमें वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम ऑफ वैक्स अगर निकालना है तो क्या हो जाएगा, वेट ऑफ वैक्स डिवाइडेड बाय यूनिट वेट ऑफ वैक्स। वेट ऑफ वैक्स कहाँ से, W2 - W1 कर दिया, तो यूनिट वेट ऑफ वैक्स क्वेश्चन में गिवन होगा, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, वॉल्यूम निकल के आ जाएगा। यहाँ से इस वॉल्यूम को कहाँ पुट कर देना है, यहाँ पे पुट कर देना है, यहाँ से वॉल्यूम ऑफ सॉइल सैंपल, तो ये हो गया आपका W/V। W क्या हो गया, W1, और V क्या हो गया आपका, ये रहा वॉल्यूम ऑफ सॉइल, ये W1 भी क्या है, भी वॉल्यूम ऑफ सॉइल, ये यूनिट वेट निकल गया। क्लियर कहानी, बताओ कि कोई डाउट है। रिपीट सर, देखो यहाँ से देखना, वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड लिखा है, एक लाइन बताऊंगा वापस और ये लास्ट बार बताऊंगा। इट इज यूज फॉर हाईली प्लास्टिक एंड कोएजिव सॉइल, चाहे लिखा हुआ समझ में आ रहा है, कोई राइटिंग में दिक्कत है वो भी देख लेना, और कोई कंसेप्ट में डाउट है तो वो भी रिवाइज हो जाएगा। पहली लाइन लिखी, इट इज यूज फॉर हाईली प्लास्टिक एंड कोएजिव सॉइल, मतलब हाईली प्लास्टिक और कोएजिव सॉइल का मतलब क्या है, जिसका क्या बन सके, अरे जिसका क्या बन सके, जिसका लंप सैंपल बन सके, जिसकी बॉल बन सके, इस तरह की सॉइल। तो बॉल किसकी बनेगी सर, फाइन ग्रेन सॉइल की या प्लास्टिक सॉइल की बनेगी। तो ये हो गया पहला पॉइंट। सेकेंड, वेयर इट इज पॉसिबल टू मेक लंप सैंपल, जिसके द्वारा एक बॉल बना सके, कोर्स ग्रेन सॉइल जो है वो बॉल नहीं बनाएगी, जबकि कौन सी बनाएगी सर, प्लास्टिक सॉइल या फाइन ग्रेन सॉइल बनाएगी। हमें क्या निकालना है, यूनिट वेट, और यूनिट वेट क्या पढ़ रहे थे, यहाँ देखो यूनिट वेट किसका पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे लिखा है यूनिट वेट ऑफ सॉइल मास, सॉइल मास का यूनिट वेट पढ़ रहे हैं। हमें वैक्स वैक्स से कोई मतलब नहीं है, हमें तो सॉइल मास की बात हो रही है, वैक्स का तो इस्तेमाल किया हमने केवल। तो यहाँ पे देखिएगा फिर, तो यहाँ पे क्या किया हमने कि वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस माइनस वॉल्यूम ऑफ वैक्स, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉइल निकालना है, वो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, मतलब कौन डिस्प्लेस करेगा, तो W1 तो था वेट ऑफ सॉइल सैंपल, उसके ऊपर मोम की कोटिंग कर दी, मोम की क्या कर दी, कोटिंग कर दी। लंप का मतलब होता है आपका सैंपल बनाना, जिसकी बॉल बन सके उसको बोलते हैं लंप, ठीक है, जैसे बोलते हैं सीमेंट बैंक्स में लंप नहीं होते, होने चाहिए फ्री फ्रॉम लंप्स, BMC में पढ़ा होगा फ्री फ्रॉम लंप्स, तो लंप क्या होता है, जिसकी गुठले जिसकी बॉल सी बन जाती है उसे बोलते हैं लंप, ठीक है। तो वेट ऑफ सॉइल सैंपल सेकेंड है, वेट ऑफ सॉइल सैंपल वैक्स कोटेड सॉइल सैंपल, मतलब सॉइल पी उसके ऊपर अपने वैक्स की कोटिंग कर दी, तो वेट ऑफ वैक्स क्या आ जाएगा, क्या बोल रहे हैं मनीष दिनेश, क्या बोल रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉइल चेंज हो जाएगा। एक बार रुकना, आपका थोड़ा जूम करता हूं, आप क्या कहना चाह रहे हैं, हाँ एक बार रुकिएगा, हाँ वॉल्यूम ऑफ सॉइल चेंज हो जाएगा बॉल बनाए तो हुए। नहीं बेटा वॉल्यूम कैसे चेंज हो जाएगा भाई, वॉल्यूम कैसे चेंज हो जाएगा, वेट ऑफ सॉइल सैंपल अमन ने लिया और वेट ऑफ वैक्स कोटेड सॉइल सैंपल दोनों लिया, तो वेट ऑफ वैक्स कितना आ जाएगा, जब W2 में से W1 को माइनस कर देंगे तो वेट ऑफ क्या हो जाएगा, वैक्स आ जाएगा, क्योंकि इसमें से सॉइल थी तो सॉइल से सॉइल कैंसिल आउट क्या बच गया, वैक्स, तो वेट ऑफ वैक्स आ जाएगा। अब इस फॉर्मूले को अपन को याद रखना था कि टोटल वॉल्यूम जो निकालना है सॉइल मास का, टोटल वॉल्यूम वाटर डिस्प्लेस माइनस वॉल्यूम ऑफ वैक्स, तो ये वॉल्यूम ऑफ सॉइल दे देगा, सॉइल सैंपल। तो वैक्स कैसे निकालेंगे, यूनिट वेट क्या होता है, वेट बाय वॉल्यूम, यूनिट वेट क्या होता है, वेट बाय वॉल्यूम,
तो वेट ऑफ बैग्स कैसे आ गया, डब्ल्यू टू में डब्ल्यू वन को माइनस किया था, और ये यूनिट वेट जो है क्वेश्चन में गिवन होगा, तो यहाँ से अपन वॉल्यूम निकाल लें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, वैक्स नीचे आ जाएगा यूनिट वेट का, ये क्वेश्चन में गिवन होगा, यहाँ से वॉल्यूम ऑफ वैक्स आ गया, यहाँ पुट किया, दोनों को माइनस किया तो वॉल्यूम ऑफ सॉइल सैंपल आ गया। तो वेट क्या था, वेट ऑफ द सॉइल सैंपल डब्ल्यू वन, और वॉल्यूम क्या था, वॉल्यूम ऑफ द सॉइल सैंपल जो यहाँ से निकाला है, तो क्या निकल जाएगा आपका यूनिट वेट, यही तो निकालना था हमारे को। येलो बैग न्यूमेरिकल बेटा इसका गेट में आता है, गेट में हाँ। आप बताओ कोई डाउट किसी को, ये लो वाटर डिस्प्लेसमेंट आइए रहा, नेक्स्ट ये लो नोट कर लिएगा सभी। नेक्स्ट चलिए हो गया सभी का। अब लास्ट हेडिंग जो है, जो कुछ बच्चे पूछे भी थे, हार्ड सॉइल ही यूज करते हैं सेकंड मेथड में, वो हार्ड भी हो जाएगा और फाइन भी हो जाएगा, बट स्पेशली हार्ड सॉइल या ग्रेवली सॉइल के लिए होता है सैंड रिप्लेसमेंट मेथड, यूज करने में कोई भी कर सकते हैं। बिल्कुल बेटा, W1 तो अलग ही है, W1 तो केवल वजन है सॉइल का, केवल वजन है सॉइल का, W2 क्या है, वो सॉइल प्लस वैक्स का वजन है, तो दोनों में अलग है ना। आइए आइए, लास्ट टॉपिक जो है वो क्या है आपका, वो आपके ग्राफ हम देखेंगे, क्या देखेंगे, ग्राफ देखेंगे, यहाँ पे परसेंटेज फाइनल, एन परसेंट कहाँ पे होगा, इस वाई एक्सिस पे, और यहाँ पे होगा डाया, डाया ऑफ सॉइल पार्टिकल, यहाँ पे डाया होगा, एक्स एक्सिस पे डाया, वाई एक्सिस पे परसेंटेज फाइनल, क्लियर हुआ। यहाँ पे क्या करेंगे, एक मैंने एरो बनाया, यहाँ पे मैंने लिख दिया कि डाया क्या हो रहा है, डाया जो है वो डिक्रीज हो रहा है, इस तरफ डाया क्या हो रहा है, डाया जो है वो इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है, यहाँ पे डाया घट रहा है, वहाँ पे डाया बढ़ रहा है। हम जो एनालिसिस करते हैं उस एनालिसिस में एक हम बेंच मार्क मानते हैं, और वो बेंच मार्क क्या माना था हमने, 75 माइक्रोन, 75 माइक्रोन माना था, ठीक है, 75 माइक्रोन की सीव माना था वो बेंचमार्क। आ गई बात समझ में, अगर अब बात करें कि 75 माइक्रोन से इधर कम हो रहा है, मतलब कम हो रहा है तो मोर देन 50% पार्टिकल पास हो रहे हैं, तो क्या होगा, सेडिमेंटेशन एनालिसिस होगा, सेडिमेंटेशन एनालिसिस होगा, और इधर इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है, तो सीव एनालिसिस होगा, एनालिसिस होगा। सीव एनालिसिस किसके लिए करते हैं, कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए, कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए करते हैं, और साइज भी बढ़ रही है मतलब कोर्स ग्रेन सॉइल, और साइज घट रही है मतलब फाइन ग्रेन सॉइल, ये होगा फाइन ग्रेन सॉइल। यहां तक क्लियर सभी को, बताओ पहले समझ लो, हाँ पेज अनलिमिटेड है, इसमें लास्ट में देंगे इसमें अपन स्क्रीनशॉट, सबसे एंड में इसमें स्क्रीनशॉट वाला टाइम बच जाएगा अपना। तो क्या किया, परसेंटेज फाइनर और डाया ऑफ द पार्टिकल के बीच हमने ग्राफ बनाया,
75 माइक्रोन जो हमने माना था एक बेंचमार्क, उससे कोरस्पॉन्डिंग 75 माइक्रोन के सीयू पे अगर 50% ज़्यादा रुकते हैं तो सी वन एनालिसिस करते हैं, और कम रुकते हैं तो सेडिमेंटेशन करते हैं। इधर साइज कम हो रही है मतलब फाइन ग्रेन सॉइल, इधर कोर्स ग्रेन सॉइल, कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए सी वन एनालिसिस और फाइन ग्रेन सॉइल के लिए सेडिमेंटेशन एनालिसिस। यहाँ तक समझ में आया? समझना है पहले, ये लास्ट टॉपिक है, समझना है आपको केवल। चलिए अब यहाँ पे अपन चार ग्राफ देखेंगे, यूनिफॉर्मली ग्रेडेड, वेल ग्रेडेड और एक पुअरली ग्रेडेड। तो यूनिफॉर्मली में दो आएंगे, यूनिफॉर्मली ग्रेडेड कोर्स ग्रेन और फाइन ग्रेन। तो सबसे पहली बात करते हैं यूनिफॉर्मली ग्रेडेड और वेल ग्रेडेड का मतलब क्या होता है। तो यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल इसका मतलब क्या होता है, सॉइल हैविंग सेम साइज ऑफ पार्टिकल, सेम साइज ऑफ पार्टिकल और वेल ग्रेडेड सॉइल तो डिफरेंट साइज ऑफ पार्टिकल। Present in a soil mass, ठीक है, same size of particle। अगर अपन बात करें किसी स्कूल में या किसी कॉलेज में जाते हैं तो सभी स्टूडेंट क्या होते हैं, एक सेम सी ड्रेस पहनते हैं। अगर ब्लू शर्ट और व्हाइट पैंट है तो सभी ने ब्लू शर्ट और व्हाइट पैंट ही पहन रखी है, क्लियर हुआ। सेम साइज का उन्होंने क्या कर रखा है, एक अपना ड्रेसअप कर रखा था। यूनिफॉर्म का मतलब क्या हुआ, सेम साइज। तो वो सॉइल मास जिसमें अधिकतर पार्टिकल सेम साइज के हो उसे बोलेंगे यूनिफॉर्मली ग्रेडेड। और वेल ग्रेडेड का मतलब क्या है, जैसे अगर आप किसी पार्टी फंक्शन में गए तो वहाँ पे हर एक आदमी ने क्या है अलग ड्रेस पहन रखी, अलग कलर पहन रखा, अलग पैटर्न पहन रखा है, तो वो क्या है, वेल ग्रेडेड है। हर तरह के कलर या हर तरह के आपको पैटर्न वहाँ पे अवेलेबल है। तो डिफरेंट साइज ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट इन द सॉइल मास, अलग अलग साइज के पार्टिकल अगर प्रेजेंट है उस सॉइल मास में उसे बोलेंगे वेल ग्रेडेड। 10 mm का भी है, 20 mm का भी, 30 mm का भी, 5 mm का भी, 4.75 mm का भी है, 2 mm का भी है ना। तो हर साइज के पार्टिकल अगर प्रेजेंट है तो उसे बोलेंगे वेल ग्रेडेड, और एक ही साइज के पार्टिकल अगर मेजोरिटी में है तो उसे बोलेंगे यूनिफॉर्मली ग्रेडेड या पुअरली ग्रेडेड। हाँ विक्की क्या कहना चाह रहे भाई, ग्राफ में तो अभी पूरा ग्राफ ऐड होगा। हाँ सेकंड मेथड में आपने फाइन का यूज किया, इसका वर्ड्स ज्यादा होता है। कौन सी भाई, सेकंड मेथड अगर बात करें तो सैंड रिप्लेसमेंट, सैंड रिप्लेस मेथड जो होता है वो कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए किया था बेटा। फाइन कहाँ बोला, गैप ग्रेडेड। चलो गैप ग्रेडेड देख लो, गैप ग्रेडेड का मतलब होता है यूनिफॉर्मली ग्रेड और पोली ग्रेड एक ही चीज है, ठीक है। गैप ग्रेड का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर साइज के पार्टिकल उसमें मिसिंग हो, तो अ पर्टिकुलर साइज ऑफ पर्टिकुलर साइजेस ऑफ पार्टिकल्स आर मिसिंग इन द सॉइल मास। इसमें क्या लिख दिया, अ पर्टिकुलर साइजेस ऑफ पार्टिकल आर मिसिंग। कुछ पर्टिकुलर साइज के अगर मैं बात करूं कि 0.5 से 10 एम तक के कोई भी पार्टिकल नहीं, उसके बीच के 5 एम से छोटे पार्टिकल है, 10 एम से बड़े पार्टिकल, तो पर्टिकुलर साइज के पार्टिकल मिसिंग है तो उसे बोलते हैं गैप ग्रेडेड। उसे क्या कहते हैं, गैप ग्रेडेड। ठीक है,
पुअर कैसे कहते हैं, पुअरली ग्रेडेड का मतलब भी है कि जिसमें ग्रेडिंग प्रॉपर नहीं, प्रॉपर ग्रेडिंग का मतलब हर साइज के पार्टिकल प्रेजेंट है, और पुअरली ग्रेडेड जिसमें ग्रेडिंग प्रॉपर नहीं, मतलब एक ही साइज के मेजोरिटी ऑफ पार्टिकल एक ही साइज के, तो पुअरली ग्रेडेड हो गया। ठीक है, अब बताओ। मिसिंग है, मिसिंग, मिक्स नहीं है वो। अब पर्टिकुलर साइज ऑफ पार्टिकल आर मिसिंग, कुछ पर्टिकुलर साइज के बता तो दिया, 5 से 10 mm तक का एक भी पार्टिकल नहीं है उसमें, 5 से छोटे पार्टिकल 10 से बड़े पार्टिकल है, तो एक पर्टिकुलर साइजेस के पार्टिकल जो है उसके सॉइल मास में से मिसिंग है, उसे बोलते हैं गैप ग्रेडेड सॉइल। वेल ग्रेडेड पोली ग्रेड नहीं बेटा, यूनिफॉर्मली ग्रेडेड पोअरली ग्रेडेड। वेल ग्रेडेड का मतलब पोअरली ग्रेडेड थोड़ी होता है, वेल ग्रेडेड में तो हर साइज के पार्टिकल प्रेजेंट है, पुअरली में जिसकी ग्रेडिंग पुअर है मतलब एक ही साइज के पार्टिकल, उसको बोलते हैं पुअरली ग्रेडेड। हाँ, पुअरली को यूनिफॉर्मली ग्रेडेड भी बोलेंगे, बिल्कुल। चलिए अब आते हैं अपन इसके अंदर। यहाँ पे देखिएगा कि चार ग्राफ में ड्रॉ करने वाला हूँ। ये फर्स्ट, ये सेकंड, है ना। पहले दिन का नाम बताओ। इस फर्स्ट ग्राफ को क्या बोलेंगे, जो ब्लू वाला ग्राफ है इसे क्या कहेंगे, किस सॉइल का ग्राफ है बताइएगा। ये जो ब्लू वाला ग्राफ है ये किस सॉइल का ग्राफ है, जल्दी से बताइएगा। फाइन, अरे फाइन का तो है, पर पुअरली है यूनिफॉर्मली है वेल ग्रेडेड किसका है। वेरी गुड, यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल ए मैं लिख देता हूं, यूनिफॉर्मली ग्रेडेड फाइन ग्रेन सॉइल, सॉइल का ग्राफ। यूनिफॉर्मली ग्रेडेड क्यों बोला है, क्योंकि सर सारे के सारे पार्टिकल फाइन ग्रेन सॉइल के थे, मतलब 75 माइक्रोन से छोटे थे। यूनिफॉर्मली ग्रेडेड फाइन ग्रेन सॉइल ग्राफ जो बी है, ग्राफ जो आपका बी है, ये किसका ग्राफ है, ये भी यूनिफॉर्मली ग्रेडेड का है, यूनिफॉर्मली ग्रेडेड। बट कौन सी सर, 75 से बड़े पार्टिकल, डायमीटर बढ़ रहा है, कोर्स ग्रेन सॉइल, यूनिफॉर्मली ग्रेडेड कोर्स ग्रेन सॉइल। क्लियर हुआ। अब एक और देख लो, ये सी, ये किसका ग्राफ है, ये सी किसका ग्राफ है, जल्दी से बताइएगा। यूनिफॉर्मली ग्रेडेड कैसे, यूनिफॉर्मली का मतलब वो एक ही तरह के पार्टिकल, तो इसमें सारे के सारे फाइन ग्रेन प्रेजेंट है, इसमें सारे के सारे कोर्स ग्रेन प्रेजेंट है, इस लाइन को क्रॉस नहीं कर रहा ना, और ये इस लाइन को क्रॉस नहीं कर रहा, इसलिए हाँ वेल ग्रेडेड सॉइल का है, बिल्कुल बिल्कुल। अरे गैप ग्रेडेड का नहीं है, वेल ग्रेडेड सॉइल का ग्राफ है, वेल ग्रेडेड सॉइल। वेल ग्रेडेड क्यों बोला कि सर इसमें फाइन भी है और कोर्स भी है, दोनों रेंज ऑफ पार्टिकल अवेलेबल है, जैसे बोल दिया हमने वेल ग्रेडेड सॉइल, बोला था ना डिफरेंट साइज ऑफ पार्टिकल्स आर अवेलेबल इज नोन एज वेल ग्रेडेड सॉइल। अरे क्वेश्चन आता डायरेक्टली, ग्राफ आ जाएगा, ए बी सी डी दे देंगे, कुछ ही पूछ लेंगे भाई नाम बताओ कौन से किस सॉइल का ग्राफ है। हाँ, फिर अगर अपन बात करें लास्ट की, लास्ट अगर एक हम बात करें, तो ये ग्राफ मैंने बोल दिया डी, ये डी ग्राफ किसका है, ये जो फ्लैट पोर्शन है, ये डी ग्राफ किसका है, गैप ग्रेडेड। वेरी गुड निरंजन रविंदर, वेरी गुड, गैप ग्रेडेड। अरे ये जो पोर्शन है ना, ये जो फ्लैट पोर्शन है तो ये डी ग्राफ किसको शो करता है, ये डी ग्राफ शो कर रहा है गैप ग्रेडेड सॉइल।
गैप ग्रेडेड सॉइल को, जिसमें सम साइजेस ऑफ पार्टिकल आर मिसिंग, तो फ्लैट पोर्शन जिसमें दिख जाए वो गैप ग्रेडेड सॉइल का ग्राफ होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, हाँ अब नोट कर लो, आराम से नोट करो, यहां पे चैप्टर हो गया है खत्म। कोई बात नहीं, स्क्रीनशॉट दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ये चैप्टर हो गया ओवर यहां पे, आप इसको जल्दी से एक बार नोट करो, ये लास्ट टॉपिक था। हाँ गैप ग्रेड बता दे, गैप ग्रेडेड का मतलब है, आप पूछ लो, अब मैं आराम से बैठा हूँ 10-5 मिनट, जब तक आप नोट कर रहे हो अब आराम से पूछो क्या क्या क्वेश्चन पूछना है। गैप ग्रेडेड का मतलब जो है वो होता है आपका कि किसी भी एक सॉइल मास में कुछ पर्टिकुलर साइज के पार्टिकल मिसिंग हो, उसे बोलते हैं गैप ग्रेडेड। जैसे मैंने बताया था कि 5 mm से लेकर 10 mm तक के पार्टिकल उसमें है ही नहीं, हाँ लगा लो, इसका मतलब क्या बोला कि सर ये जो है 5 mm से 10 mm तक के पार्टिकल है ही नहीं, CU और CC के फॉर्मूले आपको लिखवा तो दिए दिनेश, ऑल ऑन ग्रेडेड कहां लिखा है, गैप ग्रेडेड लिखा है ये। समझ में आ गया, गैप ग्रेड समझा दीजिए, समझा दिया। वेल ग्रेडेड सॉइल का मतलब जिसमें सभी साइज के पार्टिकल प्रेजेंट हो, तो ये जो येलो वाला ग्राफ है ये वेल ग्रेडेड सॉइल ग्राफ है, जिसमें देखो इस ग्रीन लाइन से पीछे भी जा रहा है वो ग्राफ और ग्रीन लाइन से आगे भी आ रहा है ग्राफ, इसका मतलब उसमें फाइन ग्रेन भी है और कोर्स ग्रेन भी है, दोनों है। ऑल इन ग्रेडेड तो कुछ नहीं होता, ऑल इन ग्रेडेड को बोल सकते हो, वेल ग्रेडेड भी बोल सकते हो, बाकी ऐसा कुछ होता नहीं है। ठीक है आफ्ताब, इससे क्वेश्चन बिल्कुल आता है, ग्राफ से क्वेश्चन आता है, पूछ सकता है कौन सा गैप ग्रेडेड का ग्राफ है इनमें से या कौन सा वेल ग्रेडेड सॉइल का ग्राफ है। ग्राफ का एक बार फिर से बता दो, देखिए हाँ क्लासिफिकेशन ऑफ डाल दो, साउंड साउंड आ रहा होगा ना, साउंड तो कि नहीं आ रहा, हाँ अब बना लेना, अब क्वेश्चन लगाने स्टार्ट कर दो, चैप्टर 1 हो चुका है और चैप्टर 2 हो चुका है, अब क्वेश्चन लगाने आप स्टार्ट कर दो। ठीक है, और जो भी डाउट हो मुझे मत सेंड करो, ग्रुप पे सेंड करो, मुझे मत सेंड करो, ग्रुप पे सेंड करो क्वेश्चन। ग्रुप पे सेंड करो, जिसको भी आता है वो करेगा, जब अगर नहीं आता है लास्ट तो फिर मुझे सेंड करिएगा। अच्छा ओनली एडमिन है तो मुझे सेंड कर दो, मैं ग्रुप पर डाल दूंगा। नहीं मुझे बाद में करना है, अभी अननेसेसरी है, अब आप 250 बच्चे हो एक ग्रुप में, दो ग्रुप और बने हुए उसमें कोई 40-50 एक में, 20 एक में, तो 300 बच्चे के आसपास हो गए। अब 300 बच्चों ने अगर एक एक क्वेश्चन भी सेंड कर दिया तो 300 क्वेश्चन तो हो गए, अब किस किस का सॉल्व हो पाएगा। एक बार ग्रुप में सेंड करोगे तो अपने आप, अच्छा मुझे कर दीजिएगा, मैं ग्रुप में डाल दूंगा जिसको भी आता है। अच्छा एडमिन हटाएं, चलो हटा देंगे, पर एडमिन हटाएंगे जब आप अननेसेसरी उस पर कोई बात नहीं करेंगे, केवल
क्वेश्चन आंसर की बात होना चाहिए और कोई बात नहीं होनी चाहिए। एडमिन से अगर हटाएंगे तो बस ये बात एक ही होनी चाहिए। आप क्या करते हो, जबरदस्ती इतने मैसेज करते हो कि वो व्हाट्सएप पूरा भर जाता है। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ जाना, टेलीग्राम ग्रुप भी है उस पे जुड़ जाना, मेरा टेलीग्राम ग्रुप है उस पे जुड़ जाना, वहाँ पे आप प्ले कर लेना। मेरा तो क्या है, किसी एक स्टूडेंट ने बनाया था, वहाँ पे काफ़ी सारे बच्चे जुड़े हुए हैं, तो वहाँ पे जुड़ जाना। ठीक है, वहाँ पे आप क्वेश्चन डालिएगा, व्हाट्सएप पे नहीं डालो, वहाँ पे क्वेश्चन डालो, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। हाँ, मुझे मैसेज कर देना, मैं लिंक सेंड कर दूंगा आपको। सॉइल मैकेनिक्स बाय दिलीप सर करके ग्रुप होगा, उसको सेंड कर देना। ठीक है, एक स्टूडेंट ने बना रखा है ग्रुप, उस पर काफ़ी सारे बच्चे जुड़े हुए हैं कब से, तो वहाँ पे डिस्कशन चलता रहता है, वहाँ पे आप क्वेश्चन डालोगे। ठीक है, नाम बता दिया मैंने ग्रुप का, सर्च मार लीजिएगा। ग्राफ भाई ये है, ग्राफ के अंदर एक में परसेंटेज फाइनर है और एक में डायमीटर ऑफ द पार्टिकल, डायमीटर ऑफ पार्टिकल परसेंटेज फाइनर के बीच में ग्राफ बनाया है, और ये ग्राफ जो है वो पार्टिकल साइज एनालिसिस का ग्राफ है जो हम पढ़ चुके हैं सेडिमेंटेशन और सीव एनालिसिस, उसके आधार पर हमने कोर्स ग्रेन सॉइल और फाइन ग्रेन सॉइल को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। अगर एक ही तरह के पार्टिकल है, एक ही साइज के पार्टिकल है, सो यूनिफॉर्मली ग्रेड या पोली ग्रेड सॉइल कहते हैं, तो ये भी यूनिफॉर्मली का है, ये भी यूनिफॉर्मली का है, और ये जो है ये आपका गैप ग्रेडेड का है, और ये है आपका वेल ग्रेडेड का है। ठीक है, क्लियर हुआ? हाँ, ये रजनीश ने लिखा, यही ग्रुप का नेम है, देख लो, इस ग्रुप पे जुड़ जाना आराम से। यहाँ पे आप कमेंट करो, क्योंकि आप वहाँ पे व्हाट्सएप पे कमेंट करोगे तो दिक्कत है, वहाँ पे क्या है कि सारे फैकल्टी जुड़े हुए हैं, वहाँ पे अननेसेसरी बहुत सारे कमेंट हो जाएंगे, तो वहाँ पे केवल इन्फॉर्मेशन जो भी है वो हम आपको, एडमिन जो है वो हम आपको दे देंगे इन्फॉर्मेशन। हाँ, चैप्टर हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फास्ट। अब चलिए आज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं अभी क्लास का हूँ, अभी तो अभी रिवीजन करना बाकी है, रिवीजन करेंगे उसके बाद एक दो टॉपिक करेंगे। फर्स्ट फ्लैट वाला कर्व, इसको क्या बोलते हैं, गैप ग्रेडेड का कर्व है कुलदीप जी, गैप ग्रेडेड। फर्स्ट हो गया 1 2 3, नेक्स्ट गैप ग्रेडेड बेटा किसी में भी हो सकता है, इसमें किसी एक पर्टिकुलर साइज के पार्टिकल मिसिंग है, उसे गैप ग्रेडेड कहते हैं। हाँ बिल्कुल, स्टार्ट करेंगे थोड़ा सा। सर एक पिक्चर बता दीजिए, 1 2 3, नेक्स्ट थर्ड पिपेट मेथड बताइएगा। पिपेट मेथड में क्या करते हैं, एक सस्पेंशन बनाते हैं, उसमें पिपेट इंसर्ट करते हैं, उसमें 10 ml सैंपल लेते हैं 10 सेंटीमीटर की डेप्थ से। ठीक है, नॉमेनक्लेचर ऑफ सॉइल अभी आएगा बेटा, चैप्टर आएगा पूरा। नहीं अभी कराएंगे, आज करा देंगे रिवीजन, अभी करा देंगे, अभी खत्म फिर ये। हाँ सैंड मेथड बता देंगे थोड़ा सा, 1 2 3, नेक्स्ट फोर्थ पिपेट क्या है। पिपेट जो होती है एक कांच की एक ट्यूब होती है, जिसका कुछ इस तरह से शेप आपको बताया था, पीछे बल्ब, बीच में बल्ब होता है, ऊपर नीचे पाइप होता है, इसमें तो नीचे बल्ब है, उसमें ऊपर नीचे बल्ब होता है, ये बहुत बड़ा होता है, वो तो छोटा सा होता है। ठीक है, ये एच इफेक्टिव डेप्थ कह रहा सेंटर से लेके उस फ्री सरफेस लेवल तक, एच जो है फ्री सरफेस से नेक तक, और स्मॉल एच जो है वो हाइट या लेंथ ऑफ द बल्ब है। ठीक है, कैप्सूल की तरह होता है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट 1 2 3, फिफ्थ स्लाइड। हाँ उससे सैंपल लेते हैं, बिल्कुल उससे सैंपल लेते हैं।
हाँ सेंड रिप्लेसमेंट समझाएंगे, रुको थोड़ा। नेक्स्ट 1 2 3 सिक्स स्लाइड। सेंड रिप्लेसमेंट मेथड में क्या होता है, एक पिट एक खड्डा खोदते हैं, उसमें सॉइल को निकालते हैं। नहीं अभी ओवर नहीं हुई बेटा, अभी एक दो टॉपिक पढ़ेंगे। नेक्स्ट 1 2 3 सेवन। तो सेंड रिप्लेसमेंट में खड्डा खोदते हैं, वहाँ सॉइल को निकालते हैं, सॉइल का वेट मेजर करते हैं। GL क्या था वहाँ पे, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड था रोहित कुमार। तो खड्डा खोदते हैं, वहाँ सॉइल को निकालते हैं, उसको ट्रे में मेजर करते हैं, तो वो हो गया वेट ऑफ द सॉइल। नेक्स्ट 1 2 3 एयर स्लाइड। हाँ 1 और 2 रह गई, बता देंगे। बिल्कुल ये अपलोड अपलोड होती होगी आपके। नेक्स्ट 1 2 3 नेक्स्ट स्लाइड 9। दूसरा वेट मेजर कर लिया, हाँ वेट मेजर कर लिया बिल्कुल। इसके बाद क्या करना है, उसके वो जो जार था, जो उल्टा जार रखा था, उसमें से सॉइल उस पिट के अंदर, उस खड्डे के अंदर भरेगी, तो उसका वॉल्यूम आ जाए, कितना वॉल्यूम उसमें फिल हुआ। तो वेट बाय वॉल्यूम, सीधे यूनिट वेट आ गया। नेक्स्ट 1 2 3 टेन स्लाइड। नेक्स्ट 1 2 3 11 स्लाइड। ये RH जो है ये हाइड्रोमीटर रीडिंग है, RH जो है ये हाइड्रोमीटर रीडिंग है। पहले भी लिखवा रखा था, फिर लिख लो, हाइड्रोमीटर रीडिंग है ये RH। मर्क्यूरी का माइनस का सुपर होता है, तो बेटा मर्क्यूरी नहीं बनाते ना, सस्पेंशन अपन जो बनाते हैं वो वाटर का बनाते हैं। चलिए नेक्स्ट 1 2 3 12 स्लाइड। सैंड में पे पूरा सैंड यूज होता, नहीं पूरा सैंड यूज थोड़ी होगा, वो तो कॉम्पैक्टेड थी, आपने वहां से निकाला तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा उसका, इंक्रीज हो जाएगा, तो उतना वापस यूज नहीं होगा। ठीक है नेक्स्ट 1 2 3 नेक्स्ट स्लाइड 13। नेक्स्ट 1 2 3 14। नेक्स्ट 1 2 3 15। नेक्स्ट 1 2 3 16। नेक्स्ट 1 2 3 17। नेक्स्ट 1 2 3 18। नेक्स्ट 1 2 3 19 लास्ट। ठीक है, फर्स्ट सेकंड रह गई थी किसी की, वो देख लीजिए, फिर आते अपन रिवीजन पे, चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का रिवीजन। ये आपका फर्स्ट 1 2 3 सेकंड दिनेश सेवंथ। सेवंथ 1 2 3 सुदीप लास्ट वाला ग्राफ समझ में नहीं आया, बताते हैं अभी। इलेवंथ 1 2 3 फिर 19th। चलिए लीजिए 1 2 3 ठीक है।
क्लास हो गई, नहीं क्लास क्यों हो गई, अभी तो एक बार क्लास समझ लीजिए फिर रिवीजन करते हैं, फिर नया टॉपिक करेंगे, अभी तो आप आधा घंटा बचा हुआ है। भैया जो ग्राफ है, इस ग्राफ के अंदर कोर्स और फाइन ग्रेन को डिवाइड कर दिया, इधर की तरफ डायमीटर कम हो रहा है मतलब फाइन ग्रेन सॉइल है, और फाइन ग्रेन सॉइल के लिए सेडिमेंटेशन एनालिसिस, इधर डायमीटर इंक्रीज हो रहा है तो कोर्स ग्रेन सॉइल है, कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए सीव एनालिसिस। वेल ग्रेडेड यूनिफॉर्मली ग्रेडेड का मतलब समझ में आ गया, यूनिफॉर्मली मतलब सेम साइज के पार्टिकल, तो ये पिंक और ये ब्लू सेम साइज के पार्टिकल है, 75 mm से छोटे और 75 mm से बड़े पार्टिकल, तो सेम साइज के पार्टिकल तो यूनिफॉर्मली ग्रेडेड, ये भी यूनिफॉर्मली ग्रेडेड। ये कौन सा यूनिफॉर्मली ग्रेडेड, कौन सी सॉइल, फाइन ग्रेन सॉइल, ये कौन सी यूनिफॉर्मली ग्रेडेड, कोर्स ग्रेन सॉइल, क्योंकि कोर्स ग्रेन की तरफ चल बन रहा है ग्राफ। ये जो येलो वाला ग्राफ है ये दोनों में बन रहा है, मतलब वेल ग्रेडेड सॉइल का ग्राफ है, और गैप ग्रेडेड स्टेट पोर्शन जो आ जाता है उसको किसको शो करता है, गैप ग्रेडेड मतलब कुछ पर्टिकुलर साइज के पार्टिकल उसमें से मिसिंग है, ठीक है, वेल ग्रेडेड का मतलब हर साइज के पार्टिकल प्रेजेंट है। 1-2 क्या है मतलब, अच्छा 1-2 में बता रहा था कि चैप्टर 1 और चैप्टर 2 हो चुका है, 1-2 का मतलब इसको हटा दो, चैप्टर 1 चैप्टर 2 हो चुका है, क्वेश्चन लगाइएगा, कोई डाउट है तो उस टेलीग्राम वाले ग्रुप पे डाल दीजिएगा, ठीक है, आइएगा। अब रिवीजन की बात करते हैं, और रिवीजन के बाद में नेक्स्ट चालू करेंगे नया चैप्टर, रिवीजन करते हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट का। चैप्टर नंबर फर्स्ट जो है वो आपका है सॉइल फॉर्मेशन एंड इट्स टाइप। सॉइल फॉर्मेशन की अगर बात करें तो सॉइल क्या होता है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का मिक्सचर होता है सॉइल, ठीक है, आ जाओ रिवीजन के लिए, बाद में बता देंगे, 19th रह गई तो एक बार आ जाओ रिवीजन के लिए, फिर बोलोगे रिवीजन रिवीजन, तो फर्स्ट और सेकंड चैप्टर का एक साथ कर लेते हैं। तो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का क्या होता है भाई, समेशन होता है, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक का क्या होता है, समेशन होता है, दोनों तरह के पार्टिकल मौजूद होंगे। फिर अपन आते हैं नेक्स्ट, फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स कार्ल टर्ज़ागी, फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स कौन है, कार्ल टर्ज़ागी है। फर्स्ट बुक कौन सी है, अर्थबाउ मैकेनिक इन 1925, कौन सी है, अर्थबाउ मैकेनिक इन 1925, फिर बताइएगा। फिर अगर बात करें और नेक्स्ट बात करें कि जो सॉइल है ये किससे बनती है, एक प्रोसेस होता है इसको बोलते हैं पेडोजेनेसिस, पेडोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, पेडोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ सॉइल, पेडोजेनेसिस क्या है, एक ज्योग्राफिकल जियोलॉजिकल साइकिल है, इसमें चार स्टेप होते हैं, सबसे पहले क्या होगा, वेदरिंग, अपन बात कर रहे हैं हवा से तो वेदरिंग होगा, वेदरिंग के बाद में क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन होगा, वो जाएगी नीचे, ट्रांसपोर्टेशन किससे भी हो सकता है, ग्रेविटी से हो सकता है, वाटर से हो सकता है, विंड से हो सकता है, जिससे मन करे उससे हो सकता है, फिर वहां जाके क्या होगा, डिपॉजिट हो जाएगा, डिपॉजिट होने के बाद क्या होगा, फिर अपीवल होगा, ढेर लग जाएगा, ठीक है, वेरी गुड, तो सीक्वेंस पूछा जाता है इसको याद रखिएगा। फिर अगर सॉइल की बात करें तो वेदरिंग दो तरह की होती है, एक फिजिकल और एक केमिकल, फिजिकल वेदरिंग में फिजिकल एजेंट, फिजिकल एजेंट कौन कौन से होते हैं, ग्रेविटी वाटर विंड आर दी टेम्परेचर आर दी फिजिकल एजेंट, केमिकल एजेंट में कार्बोनेशन ऑक्सीडेशन रिडक्शन हाइड्रेशन ये सब के हैं केमिकल रिएक्शन। वेदरिंग का मतलब होता है डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक या इरोजन कह सकते हैं, ठीक है। अपीवल का मतलब होता है ढेर लगना। फिर सॉइल को क्लासीफाई किया है दो तरफ से, रेसिड्यूअल सॉइल और ट्रांसपोर्टेड सॉइल, जो सॉइल अगर वहीं पर रुक जाए, जो सॉइल अगर वहीं पर रुक जाए उसे बोलते हैं रेसिड्यूअल सॉइल, रिमेन्स ओवर दी पेरेंटल रॉक, पेरेंटल रॉक मतलब जिस रॉक से वो बन रही है उसे बोलते हैं पेरेंटल रॉक, और ट्रांसपोर्टेड सॉइल जो उस पेरेंटल रॉक से अवे चली जाए, दूर चली जाए, उसको बोलते हैं ट्रांसपोर्टेड सॉइल। क्लियर हुआ यहाँ तक। फिर आते हैं टाइप्स ऑफ सॉइल, सबसे पहले एलुवियल सॉइल, एलुवियल सॉइल विच इज ट्रांसपोर्टेड बाय द वाटर, वाटर के द्वारा जो बहती है सॉइल ट्रांसपोर्ट करती है उसे एलुवियल सॉइल कहते हैं। एग्जाम्पल जो है रिवर, रिवर के बैंक किनारे पे या बॉटम में पाई जाती है। एलुवियल के बाद आते हैं अपन नेक्स्ट, नेक्स्ट वन इज द लोएस्ट, लोएस्ट जो होती है वो कौन सी होती है, लोएस्ट नहीं लिकस्टाइन, लिकस्टाइन कौन सी होती है, ये भी वाटर ट्रांसपोर्टेड सॉइल, इट इज फाउंड इन दी लेक्स, वेरी गुड, लेक के बॉटम में पाई जाती है। और नेक्स्ट जो है वो मरीन सॉइल, मरीन सॉइल क्या होती है, विच इज फाउंड इन दी सी और ओशियन, सिल्टी वाटर या स्टिल वाटर। क्लियर हुआ। फिर अगर अपन बात करते हैं आपकी नेक्स्ट, ग्लेशियल ड्रिफ्ट सॉइल, जो ट्रांसपोर्ट होती है ग्लेशियल और आइसबर्ग से, ठीक है, ट्रांसपोर्टेड बाय द एक्शन ऑफ आइस, ठीक है, उसे बोलते हैं ग्लेशियल ड्रिफ्ट। इसका एग्जाम्पल होता है टिल, टिल इज द एग्जाम्पल ऑफ ग्लेशियल सॉइल, टिल इसका एग्जाम्पल है। फिर आते हैं कॉलिवियल सॉइल का, कॉलिवियल सॉइल जो होती है जो ग्रेविटी के द्वारा बह के ले जाती है उसे बोलते हैं कॉलिवियल सॉइल, बाय द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, कॉलिवियल सॉइल का एग्जाम्पल होता है टेलस। फिर आते हैं अपन एओलाइन सॉइल, एओलाइन सॉइल की बात करें जो विंड से ब्लोन सॉइल है उसको बोलते हैं एओलाइन सॉइल, डन हुआ। फिर उसका एग्जाम्पल अगर बात करें तो लोएस इज द एग्जाम्पल ऑफ एलिवियल सॉइल, फाइन ग्रेन सॉइल होती है लोएस, इसे एग्जाम्पल के अंदर नोट भी लिखा था, वो क्या लिखा था कि लोएस को और क्या कहते हैं, लोएस को सर हम कहते हैं सर ये एक कोलैप्सिबल सॉइल भी है। उसके बाद अगर अपन नेक्स्ट आए
तो नेक्स्ट अपन लोम सॉइल की बात करें, लोम LOAM, लोम या लोबी सॉइल, इट इज अ सम ऑफ, इसमें क्या क्या होता है, इट इज अ मिक्सर ऑफ सैंड सिल्ट और क्ले का मिक्सर होता है, सैंड सिल्ट ऑफ क्ले का मिक्सर होता है बिल्कुल। फिर अगर बात करें नेक्स्ट तो क्यूमुलस मक, ये हाईली ऑर्गेनिक सॉइल है, ये किससे बनती है, डिकेइंग और वेजिटेशन से बनती है, कहाँ पे, वाटर एग लॉग्ड एरिया, जहाँ पे वाटर का लॉगिंग होती है, वाटर लॉगिंग होती है वहाँ पे पाई जाती है। इसका एग्जाम्पल होता है पीट, पीट इज एग्जाम्पल ऑफ PEAT, पीट, पीट इज एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गेनिक सॉइल। हाँ, फिर अपन आते हैं नेक्स्ट पे, क्यूमुलस मक पीट हो गया, फिर अपने आते हैं टफ, टफ इज फाइन ग्रेन वॉल्केनिक एश, ठीक है, टफ। गुम्बो, गुम्बो जो है वो आपकी होती है डेड एनिमल से बनती है, हाईली स्टिकी डार्क कलर के लिए गुम्बो, डिकेइंग ऑफ डेड सेल ऑफ एनिमल्स, ठीक है। और एक और कौन सी थी, कैलीची, कैलीची सॉइल जो होती है वो कैल्शियम कार्बोनेट रिच सॉइल होती है, सीमेंटिंग प्रॉपर्टी होती है। माल, माल जो होती है, माल जो बनती है डेड सेल से, हाँ माल जो बनती है वो डेड सेल से बनती है, डेड सेल से बनती है वो आपकी माल होती है, माल ये फाउंड इन दी सी और डेड सेल ऑफ द एनिमल से, हाँ उल्टा हो गया थोड़ा सा, है ना। फिर अगर बात करें नेक्स्ट, नेक्स्ट की अगर बात करें वो है आपकी लैटराइट, नहीं हाँ लैटराइट सॉइल है, लैटराइट सॉइल जो होती है वो आपकी लीचिंग एक्शन से बनती है, इसमें वॉशिंग आउट ऑफ सिलिका कंपाउंड, एक्युलेशन ऑफ आयरन एंड ऑक्सो एल्यूमिनियम कंपाउंड, ठीक है। तो ये होती है लीचिंग से, हैवी रेनफॉल रेडियस में मिलती है, रेड कलर की होती है, रेड कलर का रीजन है आपका आयरन ऑक्साइड, क्लियर हुआ। बेंटोनाइट, बेंटोनाइट जो होती है ये ड्रिलिंग मड होती है, ये लुब्रिकेशन एंड ड्रिलिंग में इसको यूज़ की जाती है। फिर अगर बात करते हैं ब्लैक कॉटन सॉइल, ब्लैक कॉटन सॉइल जो होती है ये श्रिंकेज और स्वेलिंग प्रॉपर्टी को शो करती है, रीजन क्या है, मोंटमोरलाइट इसका रीजन है, जो कि एक क्ले मिनरल है, इसके कारण इसमें श्रिंकेज और स्वेलिंग होती है, इसे एक्सपेंसिव सॉइल भी कहते हैं। अगर इसके ऊपर फाउंडेशन नहीं बनानी चाहिए, अगर फाउंडेशन बनानी है तो पाइल फाउंडेशन का यूज़ करते हैं, वो भी कौन सी, अंडर रिम पाइल जिसे बोलते हैं, बल्ब पाइल का यूज़ करते हैं, ये बनती है बेसाल्ट और ट्रैप, ये इग्नियस रॉक होते हैं इनसे बनती है, क्लियर हुआ। ब्लैक कॉटन सॉइल का एक्सपेंसिव सॉइल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें क्या होता है, मोंटमोरलाइट मिनरल होता है जिसका एक्सपेंसिव नेचर होता है, एक्सपेंसिव और नेचर होता है, स्वेलिंग और श्रिंकेज दोनों होता है इसके अंदर, बेसाल्ट और ट्रैप होता है, बिल्कुल सही है। अब आते हैं अपन नेक्स्ट, नेक्स्ट वन इज द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। थ्री फेज डायग्राम देखा था, थ्री फेज डायग्राम के अंदर क्या देखा था, एक तो था पार्शियली सैचुरेटेड, उसको बोलेंगे थ्री फेज, और टू फेज के अंदर होगा ड्राई या सैचुरेटेड, तो पार्शियली सैचुरेटेड था तो उसके अंदर डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या, जीरो से वन के अंदर, ड्राई के अंदर एस की वैल्यू जीरो और सैचुरेटेड के अंदर एस की वैल्यू वन होती है। वॉल्यूम ऑफ वॉइड किसके इक्वल होता है, वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर के इक्वल होता है, क्लियर हुआ। अब आते हैं अपन नेक्स्ट पे, वेरी गुड, अपन आते हैं अपन नेक्स्ट पे। सबसे पहली प्रॉपर्टी वर्ड से, वॉल्यूम ऑफ वर्ड अपन है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ये होता है वर्ड रेशो, ये डेसिमल में होता है, वॉल्यूम ऑफ वर्ड अपन है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ये होता है वर्ड रेशो, वर्ड रेशो कभी भी जीरो नहीं हो सकता, जीरो से ज्यादा हो सकता है और एक से ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है। वर्ड रेशो की अगर बात करें तो फाइन ग्रेन सॉइल का ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू दी कोर्स ग्रेन सॉइल। और अगर हम दूसरी बात करें नेक्स्ट, वो जो है अकॉर्डिंग टू देयर साइज, कोलाइडल का सबसे ज्यादा होता है क्योंकि मिनिमम साइज, तो ये वर्ड रेशो तो साइज के इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है, अगर साइज बढ़ेगी तो वर्ड रेशो कम होगा, तो इसलिए कोलाइडल क्ले सिल्ट सैंड ग्रेवल कोबल एंड बोल्डर, बोल्डर का मैक्सिमम साइज तो मिनिमम वर्ड रेशो, कोलाइडल की मिनिमम साइज मैक्सिमम वर्ड रेशो, क्योंकि इनवर्स रिलेशनशिप होता है, ठीक है। उसके बाद अगर अपन बात करें नेक्स्ट की, तो नेक्स्ट जो है आपका प्रॉपर्टी वो पोरोसिटी है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम, इट इज टर्म्ड एज पोरोसिटी, इसे पोरोसिटी कहते हैं। पोरोसिटी की रेंज जीरो से वन के बीच में होती है, जीरो नहीं होती और वन नहीं होती, इस बात को याद रखिएगा। पोरोसिटी और वर्ड रेशो में मोस्ट एक्यूरेट कौन सा होता है, वर्ड रेशो को लेकर चलते, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स चेंज नहीं होता और टोटल वॉल्यूम जो होता है वो आपका चेंज हो जाता है। पोरोसिटी के बाद में आते हैं वाटर कंटेंट, नहीं डिग्री ऑफ सैचुरेशन, वॉल्यूम ऑफ वाटर अपन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ठीक है, एस डिग्री ऑफ सैचुरेशन, इसकी वैल्यू क्या होती है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो लेस देन इक्वल टू वन होता है डिग्री ऑफ सैचुरेशन। आगे ही बात समझ में, पार्शियली के लिए जीरो से वन के बीच में होगा, ड्राई के लिए जीरो होगा और फुली के लिए वन होगा। फिर अपन आते हैं नेक्स्ट, अपना वाटर कंटेंट, वेट ऑफ वाटर अपन वेट ऑफ सॉलिड, ये वाटर कंटेंट इन 200 परसेंटेज में होता है, वेट ऑफ वाटर अपन वेट ऑफ सॉलिड ये होता है, ये जीरो होता है ड्राई के लिए और देयर विल बी नो अपर लिमिट फॉर वाटर कंटेंट। आगे बात समझ में, फिर अपन आते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट प्रॉपर्टी कौन सी थी, एयर कंटेंट, वॉल्यूम ऑफ एयर अपन में वॉल्यूम ऑफ वॉइड इज नोन एज एयर कंटेंट, कि कितने वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स में कितना एयर है तो एयर कंटेंट होता है। एयर कंटेंट में रिलेशन बताया था एस प्लस ए सी बराबर वन होता है, इस बात को याद रखिएगा। एयर कंटेंट की वैल्यू क्या होती है, लिमिट बताइए फास्ट, एयर कंटेंट की लिमिट क्या होती है, जल्दी बताइए,
तब तक पानी पी लेते हैं। आते हैं अपन एयर कंटेंट का परसेंटेज एयर वॉइड, एन ए। एन ए क्या होता है? वॉल्यूम एयर बाय टोटल वॉल्यूम होता है। इसकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, लेस देन वन होता है, इक्वल टू वन नहीं होता है। ये इसका रिलेशनशिप बताया था, एन ए इक्वल्स टू एन डॉट ए सी, इस पर न्यूमेरिकल पूछ सकता है। उसके बाद में आपको न्यूमेरिकल कराए थे, न्यूमेरिकल के बाद में हमने आपको क्या कराया था, रिलेशन बताया था ई और एन के ऊपर। ई इक्वल्स टू एन वन माइनस एन और एन इक्वल्स टू ई वन प्लस ई। ठीक है, हो गया। फिर अपन चलते हैं नेक्स्ट। हाँ, एस प्लस ये सब हो गया है सब चीज़ें। अरे क्या ये हैंग तो नहीं कर रहा कहीं? हाँ, हैंग तो नहीं कर रहा ये? अब सही है? ओके, चलिए। तो यहाँ तक हो गया, अपन ने न्यूमेरिकल करा था। न्यूमेरिकल के बाद फिर हम आए गए थे किसके ऊपर, रिलेशनशिप्स पे। ई एस बराबर डब्ल्यू जी, सहवाग वाला रिलेशनशिप। दूसरा डब्ल्यू गामा बल्क जो अपन बात कर, जी प्लस एस सी गामा डब्ल्यू अपने वन प्लस ई। एस को जीरो पुट कर देंगे, ड्राई, एस को वन कर देंगे तो सेचूरेटेड, और गामा सबमर्ज, गामा सेचूरेट माइनस गामा डब्ल्यू हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। फिर देखिएगा, फिर हम, अरे आवाज़ तो आ रही है, मैं कॉन्स्टेंट होगा कोई दिक्कत नहीं, आवाज़ आनी चाहिए अपने को, रिवीजन कर रहे हैं, आवाज़ आनी चाहिए। फिर रिलेशनशिप अगर बात करें, वी एस सी का टू वी अपन वन प्लस ई और अपना डब्ल्यू एस डब्ल्यू वन प्लस डब्ल्यू। ठीक है, और गामा डिस्को गामा वन प्लस डब्ल्यू। ये हो गया रिलेशनशिप सारे। इस पर अपन ने न्यूमेरिकल करे थे, न्यूमेरिकल के बाद में अपन आए थे यूनिट वेट ऑफ वाटर पे। यूनिट वेट ऑफ वाटर, पिकनोमीटर, ओवन ड्राई पिकनोमीटर, कैल्शियम कार्बाइड जिसको रैपिड मॉइस्चर मीटर भी कहते हैं, सैंड बाथ मेथड और एल्कोहल मेथड। सैंड बाथ मेथड, एल्कोहल मेथड और आपका टोरोजन बैलेंस और रेडिएशन मेथड। क्या हो रहा है, रुक रहे हैं क्या? साउंड डिक्रीज है क्या? अब देखना, अब नहीं आएगा, अब ओके होगा। सही था यार, वो लोग के कह रहे हैं सब ठीक है, मस्त है एकदम। चलिए, तो फिर अपन आते हैं ओवन ड्राई मेथड पे। ओवन ड्राई मेथड इज द मोस्ट एक्यूरेट मेथड। ओवन ड्राई मेथड 24 घंटे के लिए सॉइल को रखा जाता है, 105 से 110 डिग्री होता है इनऑर्गेनिक का, ऑर्गेनिक का 60 होता है, जिप्सम कंटेनिंग का 80 डिग्री सेल्सियस होता है। जबकि अगर बात करें सैंड का, तो सैंड कोर्स ग्रेन सॉइल है तो 4 से 6 घंटे में सूख जाता है, और अगर क्ले की बात करें 16 से 20 घंटे, पर हम जनरली कितना मान के चलते हैं 24 घंटे। तो मोस्ट एक्यूरेट मेथड होता है ओवन ड्राई मेथड, ये क्वेश्चन आता है, इसका ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब आगे अपन नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट वन इज दी पिकनोमीटर मेथड। 900 ml कैपेसिटी होती है पिकनोमीटर की, ऊपर एक कैप लगी होती है, उसका डायमीटर होता है 6 mm होता है उस पिकनोमीटर का। और पिकनोमीटर मेथड का जब यूज़ किया जाएगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी हमें पता हो, अदरवाइज इसका यूज़ नहीं किया जाएगा विदाउट स्पेसिफिक ग्रेविटी। फॉर्मूला जो है वो डब्ल्यू टू माइनस डब्ल्यू वन अपॉन डब्ल्यू थ्री माइनस डब्ल्यू फोर ब्रैकेट में जी माइनस वन अपॉन में जी माइनस वन इंटू हंड्रेड। ठीक है, इस तरह से। तो इस तरह जी की वैल्यू पता होनी चाहिए। ये जो पिकनोमीटर होता है ये कोहेसिव सॉइल के लिए नहीं किया जाता है, ये कोहेजन लेस सॉइल के लिए होता है, क्योंकि वाटर इंटरप्ट एयर आसानी से निकल जाती है, इसलिए तो ये कोहेजन लेस सॉइल के लिए होता है। पिकनोमीटर स्पेसिफिक ग्रेविटी मेजर करता है, उसका फॉर्मूला था डब्ल्यू टू माइनस डब्ल्यू वन डिवाइड बाई डब्ल्यू टू माइनस डब्ल्यू वन माइनस डब्ल्यू थ्री माइनस डब्ल्यू फोर, स्पेसिफिक ग्रेविटी हो गई। ठीक है, फिर अगर फाइन ग्रेन सॉइल होगा तो केरोसिन का भी इस्तेमाल करा जाता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी के लिए डेंसिटी बॉटल या डेंसिटी फ्लक्स का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, फ्लक्स 500, बॉटल 50 ml कैपेसिटी। फिर अपन आते हैं नेक्स्ट पे, वो जो आपका कैल्शियम कार्बाइड मेथड, क्विकेस्ट मेथड कहते हैं, क्योंकि 5 से 7 मिनट में रिजल्ट आता है। 4 से 6 ग्राम अपन इसमें सैंड लेते हैं, इसमें कैल्शियम कार्बाइड पाउडर ऐड करके इसको हिलाते हैं, तो ऊपर मीटर के अंदर रीडिंग आ जाती है आपकी। इसमें एसिटिलीन गैस रिलीज होती है, C2H2 एसिटिलीन गैस रिलीज होती है, जो कि मीटर को मूव करती है। क्लियर हुआ, क्विकेस्ट मेथड होता है। फिर हो गया सैंड रिप्लेसमेंट, आपका कौन सा हो गया, कैल्शियम कार्बाइड। फिर एल्कोहल मेथड, मिथाइलेटेड स्प्रिट का यूज़ करते हैं ऑर्गेनिक सॉइल के लिए, इनको इस्तेमाल नहीं किया जाए क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, ऑर्गेनिक सॉइल को ऑक्सीडाइज कर देंगे। ठीक है, फिर
अपन आते हैं नेक्स्ट पेज, सेंड रिप्लेस, सेंड बाथ मेथड। सेंड बाथ मेथड जब हमारे को फील्ड पे ओवन अवेलेबल ना हो तो उसमें स्टोव पे करेंगे, स्टोव पे करेंगे तो स्ट्रक्चर वाटर के लॉस होने का खतरा बना रहता है। स्ट्रक्चर वाटर कौन सा होता है? जो सॉइल मास के अंदर मौजूद पानी है उसको बोलते हैं स्ट्रक्चर वाटर, उसका लॉस होने का खतरा रहता है। इसलिए बात समझ में आ गई, क्योंकि टेम्परेचर अनकंट्रोल रहता है। फिर अपन आते हैं नेक्स्ट मेथड पे। नेक्स्ट मेथड जो है वो टोरोजन बैलेंस मेथड है, इंफ्रारेड मेथड है, जिसमें इंफ्रारेड रेडिएशन का इस्तेमाल करते हैं। ये उन सॉइल के लिए यूज़ होगी जिसमें वेटिंग और ड्राइंग साइमल्टेनियसली होती है, ठीक है। उन सर इसमें वेटिंग और ड्राइंग अपन साइमल्टेनियसली करते हैं, जैसे ही सूखती वैसे उसको वेट कर लेते हैं। उन सॉइल के लिए जो होती है जो रीअब्जॉर्ब मॉइस्चर क्विकली, जो जल्दी से मॉइस्चर को रीअब्जॉर्ब कर लेती है, उसके लिए हम इसको इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर हो रहा है? अरे आवाज़ आ रही कि नहीं आ रही है? कमेंट आने बंद हो गए इसलिए। ऑल ओके आ रही है? चलो फिर अपन आते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट मेथड जो था वो आपका क्या था? रेडिएशन मेथड, जिसके अंदर अपन रेडियो एक्टिव आइसोटॉप कोबाल्ट 60 का इस्तेमाल करते हैं। कोबाल्ट 60 एक कैप्सूल प्लेस करते हैं एक पिट के अंदर, इधर से ओपनिंग होती है, वहाँ से वो रेडिएशंस को एमिट करेगा और इस एंड प्रोजेक्टर लगा, डिटेक्टर उसको रीड करेगा और वाटर कंटेंट आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या था जल्दी से बताइएगा? डेंसिटी इंडेक्स। डेंसिटी इंडेक्स जो प्रॉपर्टी है वो कोहेजन लेस सॉइल की प्रॉपर्टी है, इसके रिलेटिव डेंसिटी भी कहते हैं। ई मैक्स माइनस ई अपॉन में ई मैक्स माइनस ई मिनिमम इनटू 100 डेंसिटी इंडेक्स, ठीक है। ये वैल्यू जो होती है आईडी की 0 भी होती है 1 भी होती है, 0 से 1 के बीच में भी होती है। एक बात करी थी कि स्फेरिकल पार्टिकल्स के यूनिफॉर्मली ग्रेडेड स्फेरिकल पार्टिकल हैविंग परफेक्टली स्फेरिकल ग्रेन, तो उसके लिए कितना होता है जल्दी से बताइएगा? 91 और 35 होता है, 91 और 31 होता है, हाँ कोर्स गेन सॉइल का 91 और 35% होता है, ठीक है। इसका निकालोगे तो 47 कुछ आएगा और 25% कुछ आएगा, ठीक है। यहाँ से 0 से 15, 15 से 35, 35 से 65, 65 से 85, 85 से 100, वेरी लूज, लूज, मीडियम डेंस और वेरी डेंस। आ गई बात समझ में? चलिए फिर डेंसिटी इंडेक्स के बाद में नेक्स्ट बताइए फास्ट। नहीं लिखवाया डाटा, डाटा लिखवाया था, कैसे नहीं लिखवाया था भाई? देखो सी यू और सी सी की अगर बात करते हैं, कोफिशिएंट यूनिफॉर्मिटी और कोफिशिएंट कर्वेचर। यूनिफॉर्मिटी जो होता है वो साइज के लिए होता है, कर्वेचर जो होता है शेप के लिए होता है। सी यू का फॉर्मूला D60/D10 और सी सी का फॉर्मूला D30² / D16 × D10। D60 इज द डायमीटर ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम विच इट इज अ पर्टिकुलर साइज फ्रॉम विच 60% पार्टिकल ऑफ फाइनर, और D10 को इफेक्टिव साइज भी कहते हैं। एलन हजन ने दिया था, उनको एलन हजन साइज भी कहा जाता है। फिर अगर बात करते हैं नेक्स्ट की कि सी सी यू जो है यूनिफॉर्मिटी, अगर उसकी बात करें तो मोस्ट ऑफ दी सॉइल के लिए सी यू की वैल्यू 1 होती है, यूनिफॉर्मली ग्रेडेड के लिए भी 1 होती है। वेल ग्रेडेड अपन बात करें कि सैंड के लिए तो ग्रेटर देन 6 होती है, और ग्रेवल के लिए ग्रेटर देन 4 होती है, ठीक है। ग्रेवल के लिए क्या नहीं दिखाया? 0 से 15, 15 से 35, 35 से 65, 65 से 85, 85 से 100, ये वाला डाटा, ठीक है। सैंड 6 से ज़्यादा होती है, ग्रेवल 4 से ज़्यादा होता है, और सी सी जो होता है वो 1 से 3 के बीच में होता है, 1 भी होता है 3 भी होता है। फिर नेक्स्ट बताइएगा, लिखवाया ना यार ऐसे मत करो। और बताओ कंसिस्टेंसी लिमिट, जिसे अटरबर्ग लिमिट भी कहते हैं। कंसिस्टेंसी क्या होता है? कितनी आसानी से द ईज विद विच सॉइल कैन बी डिफॉर्म, जब बोलते हैं कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी जो लिमिट होती है उसको वाटर कंटेंट के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है, सॉलिड, सेमी सॉलिड, प्लास्टिक एंड लिक्विड, ठीक है। तो बाउंड्री बिटवीन लिक्विड एंड प्लास्टिक, तो लिक्विड लिमिट होती है। बाउंड्री बिटवीन प्लास्टिक एंड सेमी सॉलिड, तो कौन सी होती है? प्लास्टिक लिमिट होती है। बाउंड्री बिटवीन सेमी सॉलिड और सॉलिड, ये श्रिंकेज लिमिट होती है, शीयर स्ट्रेंथ को भी दर्शाती है ये। क्लियर हुआ? श्रिंकेज लिमिट की बात करें तो वो वाटर कंटेंट जिस पे सॉइल मास कंप्लीटली सैचुरेटेड हो, या वो वाटर कंटेंट जिस पे वाटर कंटेंट के कम करने पर भी आपका वॉल्यूम में कोई रिडक्शन ना हो, उसे श्रिंकेज लिमिट कहते हैं। फॉर्मूला सभी को पता होगा, WS=W1 ब्रैकेट के अंदर V1 - VD / WD × γS, गामा W, ठीक है। WS = W फुली सैचुरेटेड, W जो अगर कम है WS से तो पार्शली, W ज़्यादा है WS से तो सुपर सैचुरेटेड होता है, ठीक है। चलिए फिर अगर अपन बात करें तो श्रिंकेज लिमिट के बाद में वो सारे इंडेक्सेस पढ़ लेना, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है अपने लिए, ठीक है। अपन आते हैं अब नेक्स्ट जो है आपका प्लास्टिक लिमिट। प्लास्टिक लिमिट का मतलब जिसके द्वारा वो मिनिमम वाटर कंटेंट जिस पे आप 3 mm का डायमीटर का थ्रेड बनाओ और उसमें क्रैक स्टार्ट जस्ट स्टार्ट टू अपियर हो, उसे कहते हैं।
सिंक लिमिट बिल्कुल मर्क्यूरी से इस्तेमाल किया जाता है। फिर अपन आते हैं नेक्स्ट में, नेक्स्ट इस लिक्विड लिमिट, लिक्विड प्लास्टिक लिमिट हो गई, फिर अपन आते हैं लिक्विड लिमिट। लिक्विड लिमिट का मतलब है वो मिनिमम वाटर कंटेंट जिस पर सॉइल क्या कर जाए, फ्लो कर जाए, उसे लिक्विड लिमिट कहते हैं। लिक्विड लिमिट सभी सॉइल की स्ट्रेंथ स्मॉल मैग्नीट्यूड की होती है, सेम होती है, या हम अप्रॉक्सीमेटली जीरो मानते हैं, बट होती कितनी है, 2.7 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर। फिर अपन आते हैं टेस्ट, कैसा ग्रांडे और कौन पेनिट्रेशन। कैसा ग्रांडे टेस्ट जो होता है उसके अंदर हम क्या करते हैं, कैसा ग्रांडे टेस्ट के अंदर कप लेते हैं, कप के अंदर एक सॉइल लेते हैं, उसके अंदर वाटर मिल मिक्स करके उसको ग्रुप से कट कट कर देते हैं टूल से, एसटीएम और कैसा ग्रांडे टूल से, और कट करने के बाद में उसको 21 नंबर ऑफ ब्लोज लगाते हैं। तो कितने 21 नंबर ऑफ ब्लोज पर अगर वो मिल जाती है तो उसे उसके लिक्विड लिमिट कहेंगे। 18.6 होती है, याद रखना है, अपने को फॉर्मूला लिखवा दिया था उसके अकॉर्डिंग। 1 सेंटीमीटर की हाइट से इसे फ्रीली फॉल करते हैं। लिक्विड लिमिट के बाद में अपने आते हैं इंडेक्सेस पे। अगर इंडेक्सेस की बात करें, सबसे पहले है श्रिंकेज इंडेक्स WP-WS, फिर होता है आपका प्लास्टिसिटी इंडेक्स IP जो होता है उसे बोलते हैं WL-WP होता है, लिक्विड में प्लास्टिक लिमिट होता है। प्लास्टिसिटी इंडेक्स सांस से कम, सांस से ज़्यादा ज़्यादा, तो लो मीडियम और हाईली प्लास्टिक्स पे क्वेश्चन आता है आपका प्लास्टिसिटी इंडेक्स पे, ठीक है। मिक्स ऑफ सॉइल प्लास्टिक ने IP(1x1+IP(2x2)/X1+X2 मिक्सर ऑफ सॉइल का प्लास्टिक इंडेक्स जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, क्ले कंटेंट के होता है, ठीक है। LRC क्या है ये? चलिए ये हो गया आपका कौन सा इंडेक्स था, प्लास्टिसिटी इंडेक्स, कंसिस्टेंसी इंडेक्स IC, तो WL-WP/IP, क्लियर है। और अगर हम बात करें IL, WL-WP/IP, अच्छा लोअर रिजर्वेशन कोट, चलो IC+IL का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, IC+IL का वैल्यू होता है 1, इसका ध्यान रखिएगा। ये हो गया आपके इंडेक्स। फिर अपन आते हैं टफनेस इंडेक्स, प्लास्टिसिटी इंडेक्स अपने फ्लो इंडेक्स, टफनेस इंडेक्स। मोस्ट ऑफ द सॉइल के लिए 0 से 3 होता है, क्ले के लिए 1 से 3 के बीच में होना चाहिए, 1 से कम होगा तो सॉइल आसानी से क्रश या फ्राइबल हो जाएगी। फिर अपन नेक्स्ट बात करते हैं फ्लो इंडेक्स के बाद में टफनेस इंडेक्स की, फ्लो इंडेक्स की बात करते हैं। फ्लो इंडेक्स जो होता है वो प्लॉट करते हैं वाटर कंटेंट और नंबर ऑफ ब्लोज के बीच में, उसे प्लॉट किया जाए वाटर कंटेंट यहाँ पे वाई एक्सिस पे, नंबर ऑफ ब्लोज एक्स एक्सिस पे, तो W2-W1/log10 एंड N1/N2, ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पे, बताओ। फिर अपन आते हैं QU, अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो होता है QU को कहते हैं, अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इज टर्म्ड एज QU। ये क्या होता है, लोड पर यूनिट एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल स्पेसिमेंट, ठीक है, ये होता है QU, होता है twice ऑफ कोहेजन होता है। फिर अपन आते हैं नेक्स्ट QU के बाद में अपन आ गए थे सेंसिटिविटी, QU ऑफ अनडिस्टर्ब और QU ऑफ रिमोल्डेड, ये डिग्री ऑफ डिस्टर्बेंस को शो करता है सेंसिटिविटी, ठीक है। सेंसिटिव के बाद में आते हैं अपन एक्टिविटी, एक्टिविटी होता है टफ थिक्सोट्रॉफी, थिक्सोट्रॉफी होता है आपका कि टाइम के साथ साथ, पैसेज ऑफ टाइम के साथ साथ लॉस ऑफ शेयर स्ट्रेंथ रिगेन होती है, उसको बोलते हैं थिक्सोट्रॉफी। फिर थिक्सोट्रॉफी के बाद आते हैं अपन नेक्स्ट जो है आपका, आपका वो है थिक्सोट्रॉफी के बाद क्या था टॉपिक आपका, AC जो होता है एक्टिविटी ऑफ द, ये तो वॉल्यूम का चेंज को रिप्रेजेंट करती है, ये वॉल्यूम ऑफ चेंज को रिप्रेजेंट करती है IP अपन परसेंटेज ऑफ क्ले पार्टिकल 0.75 और 0.75 से लेकर 1.25 ज़्यादा, तो 75 से कम इनएक्टिव और 0.75 नॉर्मल एक्टिव और 1.25 हाईली एक्टिव, ठीक है। हाईली एक्टिव सॉइल अनडिजायरेबल होती है फाउंडेशन के लिए, हाईली सेंसिटिव सॉइल भी अनडिजायरेबल होती है फाउंडेशन के लिए। एक्टिविटी के बाद में कोलैप्सिबिलिटी, कोलैप्सिबिलिटी का मतलब होता है कि वॉल्यूम का डिक्रीज होना, ठीक है, उसका सॉइल का फेल होना, ये कोलैप्सिबल पोटेंशियल से डिनोट करते हैं। ये होता है आपका ∇H/H, ∇V/V और ∇E अपन 1+E0, ठीक है, कोलैप्सिबिलिटी हो गया। कोलैप्सिबिलिटी के बाद में जल्दी बताओ पार्टिकल साइज, पार्टिकल साइज हमने देखा था 75 माइक्रोन से, पर अगर 50% ज़्यादा पार्टिकल रुक जाएंगे तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं आपका कोर्स ग्रेन सॉइल। अगर 50% से कम पार्टिकल रुके तो फाइन ग्रेन सॉइल, कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए सीव एनालिसिस, फाइन ग्रेन सॉइल के लिए सेडिमेंटेशन एनालिसिस। अब कोर्स ग्रेन सॉइल के अंदर फिर 4.75 होगा, 4.75 अगर 50% ज़्यादा पार्टिकल रुकते हैं तो ग्रेवल और कम रुकते हैं तो सैंड, तो सैंड की अगर बात करें तो ग्रेवल के लिए तो करते हैं कोर्स स्विविंग, सैंड के लिए करते हैं फाइन स्विविंग। फाइन स्विविंग में 2 पार्ट, अगर फाइननेस कम है तो ड्राई स्विविंग, फाइननेस ज़्यादा है तो वेट स्विविंग करेंगे। फिर इधर आते हैं सेडिमेंटेशन एनालिसिस की बात करते हैं, तो इसमें हम क्या करते हैं सेडिमेंटेशन एनालिसिस हम करा जाता है किसके द्वारा, पिपेट और हाइड्रोमीटर के द्वारा किया जाता है। फिर अपन आते हैं सीव एनालिसिस, सीव क्या आती है स्क्वायर शेप होता है, स्क्वायर शेप किसी होती है, सीव शेकिंग का टाइम 10 मिनट बाय हैंड मशीन से 15 मिनट होता है, क्लियर हुआ। सीव 40 80 था ना, 80 20
अस्सी चालीस बीस दस ऐसे कुछ था, चार सीव लेते हैं। है ना? हाँ 4.75, लास्ट थी 4.75, बिल्कुल 80 20 10 और 4.75, गुड। फिर अगर बात करें उस पर 2 mm, 1 mm, फिर 600, फिर 425, फिर 150 और 75, 6 सीव थी उसके अंदर। फिर अपन आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट बात करें प्री ट्रीटमेंट और पोस्ट ट्रीटमेंट। प्री ट्रीटमेंट के अंदर क्या करते हैं, प्री ट्रीटमेंट के अंदर हम करते हैं आपका सस्पेंशन बनाते हैं इससे पहले और पोस्ट में सस्पेंशन बनाने के बाद। अगर पहले की बात करें तो पहले में हम क्या करेंगे, पहले में ऑर्गेनिक मैटर और कैल्शियम कंपाउंड। ऑर्गेनिक मैटर के लिए क्या ऐड करते हैं, H2O2 कैल्शियम कंपाउंड के लिए HCl यूज़ करते हैं। पोस्ट ट्रीटमेंट में फ्लॉक्स को ब्रेक करने के डी फ्लोकुलेटिंग एजेंट सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट का यूज़ किया जाता है। फिर अपन बात करें कि जो सेडिमेंटेशन आए से स्टॉक्स लो, स्टॉक से माना था कि पार्टिकल स्फेरिकल होगा, एक इन्फाइनिटली लार्ज मीडियम में ड्रॉप करेंगे तो कुछ समय के बाद वो टर्मिनल वेलोसिटी अचीव कर लेगा। टर्मिनल वेलोसिटी को बोलते हैं कॉन्स्टेंट वेलोसिटी, ठीक है। लिमिटेशंस ऑफ स्टॉक्स लो की बात करें तो पार्टिकल को माना करते थे स्फेरिकल, पर क्ले पार्टिकल कैसे होते हैं, फ्लैकी। पार्टिकल का सेटल होना दूसरे पार्टिकल को पे डिपेंड नहीं करेगा, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द नेबरिंग पार्टिकल। और तीसरा जो पार्टी वैलिड होता है 0.2 से 0.0002 तक, 0.2 से अगर कम होगा, अगर ज़्यादा होगा, अगर बड़ा पार्टिकल होगा तो टर्मिनल वेलोसिटी अचीव नहीं होगी क्योंकि उसमें टर्बुलेंस होगा, कम होगा तो ब्राउनियन मोशन में रहेगा, मतलब सस्पेंडेड फॉर्म में लेगा तभी टर्मिनल वेलोसिटी अचीव नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद अपन आते हैं नेक्स्ट पे, ये हो गया आपका सेडिमेंटेशन। पिपेट अपन देखा था, हाइड्रोमीटर अपन ने देखा था आज ही का, ठीक है। तो इतना ही था आज का सेशन, फर्स्ट और सेकंड हो चुका रिवाइज पूरा। हाँ पोस्ट के अंदर बता दिया था बेटा, पोस्ट ठीक है, क्लियर हुआ। कल से स्टार्ट करेंगे अपन थर्ड चैप्टर, आज के लिए इतना ही, गुड बाय, मिलते हैं आप सभी लोगों से, ठीक है, ओके। अभी टाइम हो गया नहीं तो कुछ पढ़ा दे रहा टॉपिक आपके ऊपर, अब टाइम हो चुका है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, गुड बाय, मिलते हैं आप सभी से कल। कॉल करना बेटा 4:30 बजे।